एस में आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। क्या हाल चाल में बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में अटेंडेंस लगा दो अपनी, जय हिंद जय सीए बोल के। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की ताबड़तोड़ तैयारी में आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स की मुहिम चला रखी है, अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स से आज आपके 15 से 18 नंबर कवर होंगे। चैप्टर आपको कराया जाएगा प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये चैप्टर होगा आपका 15 से 18 नंबर का चैप्टर है, देख लो आज ही कवर करके जाओगे। जो चीजें बताऊंगा वो चीजें कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, बढ़िया तरीके से नंबर लेके आएंगे। तो जल्दी से एक बारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, सबके सब बच्चों की हाजिरी लग गई है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरात। लाइक ठोकते रहो फटाफट से ताकि मुझे पता लग जाए कि आपके अटेंडेंस का कुछ रुबाब है क्लास के अंदर। भैया इस क्लास को स्टार्ट करेंगे जबरदस्त तरीके से। बस अब मुझे एक बात का एहसास हो गया है कि बच्चे सीरियस हैं, तैयारी के लिए बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और कोई भी बच्चा मतलब सीए फाउंडेशन के एग्जाम को हल्के में नहीं ले रहा है। लेकिन आपको एक बात का एहसास है कि इकोनॉमिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स की वीकनेस को कवर अप कर लेता है। अगर कोई बच्चा किसी दूसरे सब्जेक्ट में वीक चल रहा है, उसकी प्रिपरेशन में कोई बाधा आ रखी है, तो इकोनॉमिक्स में वो ज्यादा स्कोर करके अपने मार्क्स एडजस्ट कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। ये फील तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, इसलिए इकोनॉमिक्स आपका टॉप सब्जेक्ट होना चाहिए। इतिहास गवाह है, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, जब जब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आता है तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं बच्चे, समझ रहे हो, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत की जाएगी और आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, जबरदस्त लेवल का चैप्टर है, कुछ रियलिटी वाली बातें आप यहां पर जानोगे, ठीक है। तो ठीक है फिर, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आपका प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स का चैप्टर है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से इसको 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट 1 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में बताती है, यूनिट 2 बेसिकली टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में बताती है, जो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। यूनिट 2 में आपको बताया जाता है प्राइस डिटरमिनेशन के बारे में, यहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस पे डिमांड और सप्लाई का क्या इंपैक्ट होता है उसका डिटेल आपको दी जाती है। फिर दोस्तों यूनिट 3 में आपको डिटेल दी जाती है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली की। मैं आपको किस तरीके से चैप्टर कराऊंगा, बच्चा देखो इसके अंदर डरता है, इसके अंदर डायग्राम बहुत सारे हैं, यहां बच्चा डरा हुआ होता है, और ये वाले डायग्राम आपको करने जरूरी है क्योंकि ये डायग्राम आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। मेरे पास इन डायग्राम्स को क्रैक करने का इजीएस्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। दूसरी मेन बात आपको बताऊं, मैं दोस्तों ये दोनों यूनिट्स को मर्ज करके चलूंगा, इन दोनों यूनिट्स को मर्ज करके चलूंगा। तो आप पहली बात तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल हाथ में लेकर मत बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बातें मैं आपको यहां करा रहा हूं वो पूरी चैप्टर को कवर अप कर रही है। तो इस फ्लो के अंदर तुम कर लेते हो तो तुम्हारी तैयारी पक्की मानी जाएगी, बाकी आपकी सपोर्ट पूरी पूरी होगी। 29 जून को सुबह 9 बजे आके मैराथन लाइव क्लास लूंगा, 30 जून का आपका पेपर फोड़ देंगे, टेंशन मत लो। डर लगने वाली बात किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए भाई, डरने की क्या बात है जब अपुन तेरे साथ है, समझ लो। इकोनॉमिक्स में तो जलवा दिखाना है, और मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूं, सच में तुमसे मिलने के लिए बेताब हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। जल्दी से अपने पेपर दे लो, रिजल्ट में भयंकर मार्क्स ले आओ और फिर मिलते हैं यार, नहीं? चलो जी शुरुआत करते हैं दोस्तों यूनिट 1 से। यहां पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट की बात की हुई है, तो छोटी छोटी बातों को आपसे डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, यहां तो टाइप्स ऑफ मार्केट लिखी हुई है, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है तुम्हारे पेपर में, एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, कम से कम एक क्वेश्चन कि टाइप्स ऑफ मार्केट कितनी होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं मार्केट होता क्या है। बच्चा बच्चा जानता है मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ लोग सामान खरीदने वाले होते हैं, कुछ लोग सामान बेचने वाले होते हैं। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बोथ बायर्स एंड सेलर्स बोथ एग्जिस्ट, जहां पर ये दोनों बंदे एग्जिस्ट करेंगे उसी प्लेस को मार्केट बोलेंगे। यहां सामान खरीदा भी जा रहा होगा, सामान बेचा भी जा रहा होगा, बेसिक सी बात है। अब तुम्हारी यूनिट 1 में, यानी जो चैप्टर तुम्हारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 है, इसकी यूनिट 1 के अंदर टाइप्स ऑफ मार्केट स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए हैं और बोल रखा भैया कि हमारे देश हो या वर्ल्ड में कोई भी देश हो,
मार्केट को हम इतने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, कितने हिसाब से, छह टाइप से। आप एरिया के हिसाब से मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। एरिया मतलब आप मान सकते हो लोकेशन की बात हो रही है, ज्योग्राफी होता है ना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो आप पढ़ते नहीं हो यहां पर, लेकिन ज्योग्राफी का मतलब वही लैंड है, एरिया है, उसके हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया जाता है, अभी बताऊंगा। फिर टाइम के हिसाब से, फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से। वर्ड सुनने में मुश्किल लग रहा है लेकिन एक एक डिस्कस करूंगा तो आप क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को इधर घुसा लोगे, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल होता है, इसके हिसाब से। फिर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस और फिर टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन। जो टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन है इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है, ओवरव्यू लेना है, ऊपर ऊपर से स्टार्टिंग के पांच कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, फिर तो ये पूरा चैप्टर ही छठे वाले टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन के बारे में है, यही हल्ला मचना है, समझे। तो ठीक है, सारे बच्चे मैंने देख लिए, तैयार है। अच्छा चश्मा उतारो जरा, लो भाई चश्मा उतार दिया, सीरियस मोड के अंदर आ गया। अब जरा ये भी उतार दूं, हेयर बैंड रख दिया, लो जी आपको बता देता हूं। देखो जी, सब काइंड्स ऑफ मार्केट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने इसको बोल दिया, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, यानी आपको पहले ये पॉइंट करा रहा हूं, फिर ये कराऊंगा, फिर ये। ओके, एरिया के हिसाब से मार्केट को चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है लोकल मार्केट, एक रीजनल मार्केट, एक नेशनल मार्केट और एक इंटरनेशनल मार्केट। देखो जी, लोकल मार्केट क्या होती है, ऐसी मार्केट जहां पर आप सामान खरीदने के लिए कहीं दूर ट्रैवल नहीं करते, लोकली सामान खरीद लेते हो, लोकल सेवाएं जहां से तुम लेते हो। देखो जी, मम्मी पापा सब्जी खरीदते हैं, पापा नहीं खरीदते होंगे, मम्मी खरीदती है सब्जी, सब्जी कहां से खरीद लेती है, आजकल तो ऑनलाइन का चक्कर हो गया, लेकिन ये सिलेबस तुम्हारा पहले ही बना हुआ था, सब्जियां घर के आसपास से मिल जाती है, तो वो लोकल मार्केट है। अब नाई की दुकान पे जाते हो बाल कटवाने, दाढ़ी वाड़ी बनवाने कोई जाता होगा लोंडा जिसकी दाढ़ी आई होगी, तो कहां जाते हो, लोकल मार्केट में, यानी घर के आसपास, जहां पर आपको ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता, उस मार्केट को लोकल मार्केट बोलते हैं प्यार से। लड़कियां भी जा सकती हैं ब्यूटी पार्लर, अब ब्यूटी पार्लर जाने के लिए दिल्ली की लड़की मुंबई ट्रैवल थोड़ी करेगी, हाँ, या गाजियाबाद की लड़की कनॉट प्लेस थोड़ी आएगी, समझ रहे हो, तो वो अपने लोकल एरिया में जनरली ऐसा हो जाता है, बाकी स्पेशल इवेंट है तो बात दूसरी है। तो ऐसी मार्केट लोकल मार्केट हो गई। मैं इसका एग्जांपल सिर्फ एक नाई की दुकान दे देता हूं, इसको सैलून बोलते हैं, सैलून भी बोल दो डबल ओ लगा के, लेकिन सैलून पॉपुलर वर्ड है। रीजनल मार्केट क्या होता है, रीजनल मार्केट मतलब कोई सिटी में तुम रहते हो, या गांव में तुम रहते हो, या किसी राज्य में तुम रहते हो, उस सामान को खरीदने के लिए तुम उधर ट्रैवल करते हो। जैसे कि मैं बताऊं आपको, लड़कियों के मामले में बड़ी मेन बात है, अब तुम तो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, अपने घर में देखो, भाभी चाची मम्मी इवन साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए कहती है, चांदनी चौक से साड़ी आएगी, लाजपत नगर से आएगी, सूरत का माल, बनारसी साड़ी, तो कोई पर्टिकुलर रीजन बना हुआ है जहां से लोग सामान खरीदते हैं, तो उस रीजन को हम बोल देते हैं रीजनल मार्केट, है ना। तो चांदनी चौक से दुनिया सामान खरीद रही है तो चांदनी चौक एक रीजनल मार्केट है, उस रीजन से ही दुनिया जाके सामान खरीद रही है, समझ लो साड़ी की मार्केट। ऐसे तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है आसामी साड़ी, आसाम के लोग आसामी साड़ी पहनते हैं, लोग नहीं आसाम की लेडीज, तो वो रीजन है, बस वहीं पहनते हैं, वहीं मिलती है वो, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती, समझ लो। स्पेशल स्पेशल क्वालिटी की चीजें होती है जो सिर्फ वहीं मिलती है, जहां की वो क्वालिटी है, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं मिलती। जैसे कि आपको बताऊं, मैं एक लोकल बताऊं यार, एक नींबू का अचार होता है, नींबू का अचार सब जानते क्या होता है, एक पहाड़ी नींबू होता है जिसे बोलते हैं गलगल। जैसे कि मैं बात करूं उत्तराखंड में और हिमाचल में आपको मिल जाएगा वो पहाड़ी नींबू को, गलगल बोलते हैं, गलगल का अचार खा के देखना, वो आपको हिमाचल और उत्तराखंड में ही मिलेगा, तो उसके रीजनल मार्केट है, उसके बाहर नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मंगा लो नहीं मिलेगा, समझ लो। हाँ बिल्कुल आदित्य जैन, देख लो दिसंबर वाले भी है, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर आपका कवर अप हो रहा भाई, समझ लो। हाँ जी, नेशनल मार्केट क्या होती है, ऐसी मार्केट जिसका सौदा सिर्फ एक कंट्री में हो, एक नेशन में हो, और उस देश के बाहर उसका सौदा नहीं होता हो, सौदा मतलब लेन देन। अब हमारे प्यारे देश भारत के अंदर हिंदी की किताब बिक जाती है, अब अमेरिका में कौन खरीदेगा, तो मार्केट फॉर हिंदी बुक्स एग्जांपल के तौर पे दे दिया भैया, हिंदी की किताबें इंडिया में ही बिकेगी, ठीक है ना। अब इंडियन कैलेंडर है, आपको पता है जैसे हमारे घरों के अंदर बोल देते हैं आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है, आज अमावस्या है, ये सावन का महीना है, ये जेठ का महीना है, ये आषाढ़ का महीना है, ये भादवा का महीना है, ऐसा कुछ बोल देते हैं ना। एक इंडियन ट्रेडिशनल कैलेंडर भी है, वो कैलेंडर की मार्केट सिर्फ इंडिया में ही है, अमेरिका वाला उस कैलेंडर को खरीद के अचार नहीं डालेगा उसका,
समझ रहे हो, वो बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन ऐसे एग्जांपल से तुम इस वर्ड का मीनिंग समझ सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता। कभी कभी बच्चा बोलता है ना सर प्रॉपर डिटेल में एग्जांपल देके बताओ, तो बाबू वो बातें आपको बता दी जाएंगी लेकिन एग्जांपल का अच्छा डालोगे, क्योंकि अब तो एग्जाम के लिए नंबर लाने हैं। मैं जो स्टफ पढ़ा रहा हूं ना, आपको कहीं लग रहा होगा सर कहीं छोटा हो रहा है, कहीं ज्यादा डिटेल में हो रहा है, बाबू आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीज हो रही है, आप इसको पकड़ लो। कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सच को सबूत नहीं चाहिए होता। जब तुम पेपर देख लोगे तो जान जाओगे तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, कॉन्सेप्ट्स किए और पेपर दिया, रिजल्ट में टॉप किया, ये बातें तुम्हें याद आएंगी, ध्यान रखना। चलो जी आगे मार्केट कैच करो। इंटरनेशनल मार्केट किस चीज की होती है भाई, जो चीजें देश के बाहर भी खरीदी और बेची जाती है। अब इंडिया से इंडियन कंपनी के शेयर कोई भी खरीद सकता है, इंडियंस भी किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे आपस में, शेयर का लेन देन जो होता है ना। तो जो शेयर्स की मार्केट होती है, गोल्ड की मार्केट होती है, डायमंड की मार्केट होती है, ये देश एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करती रहती है, टैं 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 टैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका लिंक आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। अच्छा भाई जैमिन प्रीति एस्पेरेट हेमराज हंस रहे हो, चलो ठीक है तुमने प्यार किया। अच्छा जी मैं जरा फोन भी डालू, तुम्हारे कमेंट पे भी नजर मेरी पूरी रहनी चाहिए, समझ रहे हो, कोई बात नहीं, चलो इसको साइड में रखता हूं आगे पकड़ता हूं। एक हो गया ये वाला ओके रिपोर्ट कहानी, हो गई ना। अब टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं, टाइम के हिसाब से ये रीजी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम चार पार्ट में मार्केट को डिवाइड किया जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। दोस्तों वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट को सेक्युलर मार्केट भी बोलते हैं, इसके ऊपर एक एमसीक्यू आप क्रैक कर बैठे हो, पेपर में आता है सेक्युलर मार्केट किसको बोलते हैं, बहुत बार आ रखा है पेपर में, यह भी आ रखा है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी होती है। अब आपको बताता हूं, देखो चश्मा पहन के बता दूं भाई, हाँ मजा आएगा। देखो यार अब लोकेशन का माजरा खत्म हो गया है, अब माजरा डिमांड सप्लाई का है। आप जो सामान बेचते हो आप उस सामान की सप्लाई कभी ज्यादा कर देते हो कभी कम कर देते हैं, कर देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी सप्लाई फिक्स रहती हैं, एकदम से नहीं बदल सकती। अब मैं सब्जी बेचने वाला हूं, मेरी दुकान पे 5 किलो आलू रखे हैं, तुम 6 किलो आलू मांग लोगे, मैं क्या फिर से ट्रैवल करके बहुत दूर से होलसेल मार्केट से खरीद के लाऊंगा और आपको 6 किलो आलू दूंगा, नहीं। जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं जैसे कि आलू बेचना, दूध बेचना या फिर कोई भी सब्जी की मार्केट हो गई, फूल भी हो गए, फ्लावर्स वगैरह, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये पेरिशेबल चीजें हैं, इन चीजों की मार्केट वेरी शॉर्ट पीरियड की मार्केट होती है, इन चीजों की सप्लाई फिक्स्ड होती है, एकदम से नहीं बदल सकती। मेरी छोले भटूरे की रेडी है, मैंने 100 प्लेट छोले भटूरे बेचने हैं, 100 प्लेट छोले भटूरे बनाने का सामान लगा दिया, आप आ गए, आपने बोला 150 प्लेट छोले भटूरे चाहिए, क्या करूंगा, बना सकता हूं मैं, नहीं बना सकता भाई, सामान प्रिपेयर करना पड़ता है, छोले खरीद के लाने पड़ते हैं, भिगोने पड़ते हैं रात को वो, फिर सुबह बनते हैं, मसाले तैयार करने हैं, मैदा लेकर आना है, मैदा को गूंदना है, बहुत सारे काम है, एकदम से नहीं हो सकते। जिन चीजों की सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड होती है उन चीजों की जो मार्केट होती है उन चीजों की मार्केट को बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। और यहां से मैंने उठाया पेन और देखो जी एग्जाम्पल उसके पेरिशेबल प्रोडक्ट के बारे में, वेजिटेबल की मार्केट हो गई या फ्लावर की या फ्रूट की ऐसी कोई मार्केट हो गई तो उसको बोल दिया जाएगा कि भैया वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है, ठीक है। अब मुद्दे की बात तुम दूसरी कैच कर लो, वेरी शॉर्ट पीरियड पे आ गए, भैया शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी होती है, ये सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड करती हैं। शॉर्ट पीरियड मार्केट जो तुमने प्रोडक्शन में पढ़ा था ना, शॉर्ट पीरियड जहां पर कम से कम एक फैक्टर फिक्स होता है दूसरा वेरिएबल होता है, वही वाली मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पर तुम किसी एक फैक्टर को बढ़ाकर सप्लाई ज्यादा कर सकते हो, अगर लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो तुम सप्लाई बढ़ा सकते हो, उस मार्केट को बोलते हैं सिर्फ शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब तुम बोलोगे सर एग्जांपल के साथ बताओ, एग्जांपल के साथ आईसीआई के वर्ड उठा लिए डिट्टो, यहां से तुम्हें चीजें कवर अप हो जाएंगी। ये लो जी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम चार पार्ट में मार्केट को डिवाइड किया हुआ है, और ये किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने डिवाइड किया, इनको बोलते हैं कि इन्होंने मार्केट के अंदर टाइम का एलिमेंट प्रोवाइड किया है, मार्शल ने टाइम के हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया। एक नंबर का क्वेश्चन तुम यहां क्रैक करते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। एक हो गई वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट करा दिया, दूसरी है सिर्फ शॉर्ट पीरियड मार्केट, ये वो मार्केट है जहां पर तुम किसी वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो, समझ रहे, दूसरी बात हो गई जी।
चलो जी, तीसरी है लॉन्ग पीरियड मार्केट। ऐसी मार्केट जहां पर आपको सप्लाई अगर बढ़ानी है तो सारे फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा। शॉर्ट पीरियड में कोई ना कोई एक फैक्टर फिक्स रहता है, लॉन्ग पीरियड इतना लंबा समय हो गया, आप इसको एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल ऐसे नहीं पढ़ते इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में पढ़ने का तरीका बड़ा मुश्किल है, तो यहां पर सारे फैक्टर्स चेंज करने पड़ेंगे। तो जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन बढ़ रहा था ना, वो प्रोडक्शन बढ़ना शॉर्ट पीरियड की मार्केट का प्रोडक्शन था। अगर रिटर्न्स टू स्केल में जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था उसका प्रोडक्शन बढ़ना लॉन्ग पीरियड मार्केट का एग्जांपल है, समझ लो। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर एक ऐसी मार्केट भी होती है जो किसी और रीजन की वजह से सप्लाई बढ़ा देती है। जैसे कि मान लो, अब भैया मैं 100 प्लेट छोले भटूरे डेली बेचता हूं, मेरी छोले भटूरे की रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने देखा कि मेरे इलाके में जनसंख्या अब डबल हो गई, लोग आने लग गए, रहने लग गए, तो मैंने 100 प्लेट छोले भटूरे की जगह अब 200 प्लेट छोले भटूरे लगाने शुरू कर दिए। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं वेरी लॉन्ग पीरियड में एंट्री कर चुका हूं, यानी जब पॉपुलेशन या किसी और रीजन की वजह से तुम सप्लाई बढ़ा देते हो। तो चौथे नंबर की मार्केट ये होती है। यहां पर किस वजह से सप्लाई बढ़ाते हो तुम? पॉपुलेशन की वजह से, या कैपिटल तुम्हारे पास ज्यादा आ जाए, या रॉ मटेरियल में कोई चेंज हो जाए, या तो रॉ मटेरियल आपको ज्यादा मिल जाए या रॉ मटेरियल आपको मिले ही ना, सप्लाई बढ़ भी जाए कम भी हो जाए। तो तुम बोलोगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूजन क्रैक करता हूं आपके भैया। टाइम के हिसाब से मार्केट चार टाइप की, जिन चीजों की सप्लाई तुम बढ़ा नहीं सकते, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, जिस चीज की सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई फैक्टर बदलना पड़ेगा उस चीज की मार्केट शॉर्ट पीरियड मार्केट, जिस चीज की सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपको सारे फैक्टर बदलने पड़ेंगे उसकी मार्केट लॉन्ग पीरियड मार्केट, जिस चीज की सप्लाई किसी ऐसे रीजन की वजह से बढ़ जाए जो यहां मेंशन नहीं है, जैसे कि पॉपुलेशन या कैपिटल या कुछ और, उसको बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड या फिर सेक्युलर पीरियड। इसके ऊपर पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यहां से क्रैक है, मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है ये वाला। टाइम एलिमेंट किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, कोई दिक्कत नहीं जी। ये वाली मार्केट भी हो गई। अब ट्रांजेक्शन के हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया हुआ है, ट्रांजेक्शन के हिसाब से मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है स्पॉट मार्केट, एक है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट को हम फॉरवर्ड मार्केट भी बोलते हैं और स्पॉट मार्केट को हम कैश मार्केट भी बोलते हैं। अब देखो जी ये कैसे डिवाइड कर दिया भाई, दुकान पे जाते हो आलू लेने, पैसे देते हो आलू ले लेते हो, कैश मार्केट है, यानी सामान लेकर पैसे दे दिए, हैंड टू हैंड सेटलमेंट हो गई, ऐसी मार्केट को स्पॉट मार्केट बोलते हैं, ऑन द स्पॉट पेमेंट हो गई, दिस इज द स्पॉट मार्केट। लेकिन आपको पता है एक मार्केट ऐसी है फॉरेन करेंसी, जब तुम खरीदते हो ना, फॉरेन करेंसी हो गई या शेयर्स में भी ऐसा चलता है कभी कभी, मतलब जनरली ऐसा भी होता है कि आप शेयर या फॉरेन करेंसी ले रहे हो, ले ली और पैसे दे दिए, तो वो स्पॉट मार्केट ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोल देता हूं भैया 83 रुपीज का एक डॉलर है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं मेरे को तू $50 दे दे, ठीक है, लेकिन आज मैं तेरे से डील नहीं कर रहा, रेट आज फिक्स कर रहा हूं, 83 रुपीज में $50 तू मुझे एक महीने बाद दे दियो। अब मार्केट में एक महीने बाद रेट कुछ भी हो, चाहे 84 हो तो तेरा नुकसान, 82 हो मतलब 84 हो तो तेरा फायदा, 82 हो तो तेरा नुकसान, यानी भविष्य का ट्रांजेक्शन आज ही अज्यूम कर लिया। ऐसी भी मार्केट होती है, तुम्हारे लिए सोचना और समझना ये थोड़ा अनरियलिस्टिक होगा क्योंकि तुम ऐसी मार्केट में अभी एंट्री नहीं किए हो, तुम्हें इस बात की नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों ऐसी मार्केट फॉरेन करेंसी की मार्केट होती है, वहां पर ऐसे सौदे भी होते हैं, उस मार्केट को बोलते हैं हम फ्यूचर मार्केट या फिर फॉरवर्ड मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी हो गई, इसमें फ्यूचर में डिलीवरी मिलती है, केशव शर्मा ने बहुत सही बोला है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी, ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, मार्केट रेगुलेशन के हिसाब से दो टाइप की होती है। रेगुलेशन मतलब कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल उदय वाला कंट्रोल नहीं, सरकार का कंट्रोल। शेयर मार्केट पे सरकार का कंट्रोल है, इंश्योरेंस मार्केट पे सरकार का कंट्रोल है, बैंक वाली फाइनेंशियल मार्केट पे सरकार का कंट्रोल है। देखो बैंकों के ऊपर आरबीआई बना हुआ है, तुम्हारे पेपर में आता है बीसीके में, बैंकों का रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई है, इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी IRDAI है ना, शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी सेबी है। तो शेयर मार्केट,
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ऐसी मार्केट को बोलते हैं। ये रेगुलेटेड मार्केट है, जिस मार्केट पे किसी का जोर नहीं चलता, यानी कोई कंट्रोल नहीं होता, उस मार्केट को बोलते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। जैसे कि दोस्तों रेगुलेटेड मार्केट का एग्जांपल हो गया स्टॉक एक्सचेंज जो कि सेबी के द्वारा कंट्रोल होता है, या बैंक्स जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब अनरेगुलेटेड मार्केट का एग्जांपल क्या हुआ, कोई भी फ्री मार्केट, मंगल बाजार, सोम बाजार, संडे बाजार, ऐसे होते ना इतवार बाजार, तो वीकली मार्केट बोल सकते हो। वीकली मार्केट लगती है इलाकों में, हमारे घर के पास पहले इतवार बाजार लगता था, अब नहीं लगता। मंगल बाजार पहले भी लगता था, आज भी लगता है मेरे को। सोम बाजार भी पता है कहां लगता है, बुध बाजार भी पता है कहां लगता है। तो अगर आपको पता हो कि ऐसे कुछ बाजार होते हैं तो वो इस चीज के एग्जांपल होते हैं। ओके रिपोर्ट है, यहां शॉर्ट हो गया आपका, आपका शॉर्ट हो गया तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन चीज लेकर आया हूं। चलो पहले एक चीज और कवर अप कर लो, फिर बताता हूं। एक और रह गया, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी के हिसाब से भी मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मुझे ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। एक होती है होलसेल मार्केट, एक होती है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट जहां पर छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान खरीदा जाता है, यहां पर एक दुकान वाला कस्टमर को सामान बेचता है, तो ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं बी टू सी मार्केट, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर सामान बेचा जा रहा है, छोटा छोटा सामान होता है। और ये होलसेल मार्केट को बोलते हैं बी टू बी मार्केट, बिजनेस टू बिजनेस माल बेचा जाता है, एक बड़ा दुकानदार एक छोटे दुकानदार को सामान बेचता है, तो यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में सामान का लेन देन होता है। ये बहुत ईजी है, आप इसको बचपन से समझते हुए आ रहे हो, है ना। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बच्चे एग्जाम्पल खुद ही दे देते हैं। तो इस बात पे मुझे आपको एक क्वेश्चन कराना है दोस्तों, और क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन लेवल का डिजाइन कर रखा है, बस उसकी जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि जो यहां पर नोट्स मिलते हैं ना, वो नोट्स आप डाउनलोड कर लेते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, टाइम एलिमेंट वॉज गिवन बाय, ऐसे लिखा होगा भैया, बता देता हूं क्वेश्चन। और चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, पीले रंग से लिखे होंगे। एक लिखा होगा शूम्पीटर, एक लिखा होगा एडम स्मिथ, एक लिखा होगा पीगू, एक लिखा होगा मार्शल। आपको इनमें से बताना है कौन सही है। ये हिंट भी हो गया, एग्जांपल भी है, आपको एबीसीडी करके कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं, मुश्किल है, लेकिन ट्रायल पर्पज से अगर कोई बच्चा आज नया जुड़ा है ना, तो उसको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम आंसर लेते हैं। यहां पर 45 सेकंड का टाइम तुम्हें दिया गया है, आप एबीसीडी लिख के कमेंट सेक्शन में दो, आपका आंसर कैच हो जाएगा मेरे पास। अंतर देते देते लाइक ठोकते रहो, लाइक ठोकने बहुत जरूरी है, लाइक ठोकते रहोगे मजा आता रहेगा, समझे। ठोको लाइक, ठोको ठोको। टाइम भी खत्म हो गया, बच्चों ने अपना आंसर भी दे दिया। और यहां पर ना एक चीज और बताऊंगा, जो बच्चा एंड तक टिका रहेगा उसको पता लगेगा। देखो जी, टाइम एलिमेंट का मैंने बता दिया था आपको, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया था, डी इसका आंसर है। शूम्पीटर इनोवेशन के कॉन्सेप्ट देता है, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, पीगू पीगू ने पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है बिजनेस साइकिल में। कल की क्लास में कराऊंगा बिजनेस साइकिल, एक चैप्टर एक घंटे में। और जितने भी नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट है ना, क्या क्या तुम्हारे पेपर में आते हैं, कल क्लियर हो जाएंगे, पूरे नोट्स बनाकर लाऊंगा, आपको मिल जाएंगे। डी इसका आंसर है, मैं जवाब दे देता हूं। और देखो जी, यहां पर आ गया रिजल्ट, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। सबसे जल्दी अनुराग ने, फिर हेल ए आर भाई आज ऊपर रहना है, फिर पुष्पेंद्र, फिर सुजल, फिर काव्या, फिर रिया। अब देखो दोस्तों, ये तो तुम टॉपर्स हो, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, किस किस के नाम लूं मैं यहां पर, मैनी मोर गाइज आर देयर। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं, देखो मैं क्या करूंगा, मैं रेगुलर आपको यहां चेकअप कराता रहूंगा। ये हमारा लीडर बोर्ड है, जितने भी क्वेश्चन यहां चलते रहेंगे ना क्लास में, लीडर बोर्ड के अंदर उसका पता लगता रहेगा, और किस बच्चे ने कितना सही आंसर दिया है
उस बच्चे को उसकी नॉलेज यहां पर मतलब पता लग जाएगा कौन बच्चा टॉप पे चल रहा है ओवरऑल क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, ये एक स्कीम है, तो ये स्कीम के अनुसार आपको बने रहना है मेरे साथ। चलो दोस्तों ये तो हो गया, अब बताता हूं असलियत, कंपटीशन के आधार पे मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब मैंने है ना पूरे कोर्स की सारी मार्केट इकट्ठी कर दी है यहां पर, एक सेकंड अपना जरा, पूरे कोर्स की मार्केट इकट्ठी कर दी है, उस पूरे कोर्स की मार्केट के हिसाब से यहां पर आप स्टडी करोगे, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखो जी अब कहीं कहीं आपको देखने को नहीं भी मिलता, तो यहां पर दिया हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज्ड इन इकोनॉमिक्स आर, कितने पार्ट में इकोनॉमिक्स में मार्केट को डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली तुम चार देखते हो और फिर जब यूनिट एंड हो रही है किताब के अंदर तो और भी लिखे हुए हैं। मैं कौन सी टॉपिक आपको यहां कर आ रहा हूं, देखो जी मैंने बताया था आपको बताऊंगा टाइप ऑफ मार्केट के बारे में। अब कॉम्पिटिशन के हिसाब से हो रही है मार्केट, ये सब करा चुका हूं, सबसे बड़ी चीज यही है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर आधारित है, इसके ऊपर ही बेस्ड है पूरा चैप्टर। आजा राजा, देखो जी सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है अभी बताऊंगा शॉर्ट में, जब इसकी बारी आएगी ना धीरे धीरे इसकी फीचर्स इसका डायग्राम हर एक चीज आपको बता दूंगा, अभी शॉर्ट में करेंगे इसको, थोड़ी देर बाद एक एक करके बताऊंगा सबको। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट है जहां पर किसी भी सामान को बेचने वाली अनलिमिटेड फर्म्स होती है, यानी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, सामान बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, सामान खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुद्दे की बात यहां पर सबसे खास बात क्या है, इस मार्केट में जो सामान बेचा जाता है ना वो एक ऐसा सामान होता है जो हर एक दुकान पे डिटो सेम हो। यानी मान लो 2 लाख सेलर्स हैं किसी प्रोडक्ट के, तो 2 लाख के 2 लाख सेलर डिटो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, ऐसी कोई मार्केट है। नहाने के साबुन की मार्केट, लाइफ बॉय का साबुन अलग है, सिंथॉल का अलग है, मार्गो का अलग है, नीम का अलग है, लक्स का अलग है, पेयर्स का अलग है, गोदरेज का अलग है, तुम कौन सा यूज करते हो, सारे साबुन अलग है, तो साबुन देखने में भी अलग है, हाइट वेट कलर साइज सुगंध में फ्रेग्रेंस में अलग है ना, तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, नहीं है ना। जो चीजें अलग होती हैं उनको बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट या फिर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट है जहां पर सेम प्रोडक्ट मिलते हैं हर मार्केट में, हर मार्केट में सेम मतलब हर दुकान पे सेम, मार्केट में नहीं, एक ऐसी मार्केट जहां पर हर एक दुकान पर सेम सामान बेचा जाता है, वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है। एग्जांपल देने की बात करी है, चलो जी बात करते हैं मोबाइल फोन की, सैमसंग का अलग होता है, आईफोन अलग है, ओप्पो वीवो वर्चू सबके अलग अलग है, ये भी नहीं है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं पेट्रोल की मार्केट सर ऐसी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल ले लो, भारत पेट्रोलियम का, रिलायंस का, इंडियन ऑयल का, एसआर का, सबका पेट्रोल सेम है। मैं बोलता हूं हां, लेकिन वो भी पेट्रोल की मार्केट भी परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सामान को बेचने वाली अनलिमिटेड फर्म्स होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। अब पेट्रोल बेचने वाली तो गिनी चुनी 5 फर्म है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस और एसआर, और ज्यादा दिखेंगी नहीं आपको, ये भी फेल हो गया। वो बोल रहा है मस्टर्ड ऑयल, भाई सभी कंपनी का मस्टर्ड ऑयल क्वालिटी वाइज अलग होता है, दूध बोल रहे हो अमूल का अलग होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं, मदर डेयरी वाले में अलग होते हैं, पारस में अलग होते हैं, परम में अलग होते हैं, आनंदा वाले में अलग होते हैं, कंट्री डिलाइट भी चल रहा है आजकल तो उसमें भी अलग होते हैं, चीनी भी अलग है भाई। एग्जाम्पल कैसे दोगे तुम, मैं दूंगा, तुम्हारा भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल देगा और तुम दुनिया को इस बात का एग्जाम्पल दोगे। चले जाना किसी भी दुकान पे, गोल्ड को बेचने वाले पता नहीं अनलिमिटेड सुनार है, अगर कोई 22 कैरेट का गोल्ड बेच रहा होगा तो हर दुकान पे 22 कैरेट का गोल्ड डिटो सेम होता है। सिल्वर की मार्केट ले लो, अरे मार्केट ले लो तुम डॉलर की, फॉरेन करेंसी की मार्केट ले लो, डॉलर भी सेम ही होते हैं हर जगह, डिटो सेम मिलेंगे। आज तुम्हें एग्जांपल मिल गया, बिस्कुट सब्जी सबकी मार्केट अलग होती है, हर जगह सब्जी की क्वालिटी अलग होती है, समझे। चलो जी परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्लियर, मोनोपोली तो सबको पता है, मोनोपोली अब इसको डिटेल में भी बताऊंगा मैं, मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर किसी भी सामान को बेचने वाली सिर्फ एक फर्म होती है, जैसे कि इंडियन रेलवे, रेल पे सिर्फ सरकार की पटरी चलेगी तो वो इंडियन रेलवे है, बाकी एग्जांपल इसको पढ़ाते हुए दूंगा। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन सबसे रियल कॉम्पिटिशन है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरह ही होता है, लेकिन जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिटो सेम सामान बेचा जाता है, इसमें नहीं बेचा जाता, या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वो होता है
जहां पर बहुत सारे सेलर्स तो होते हैं सामान को बेचने वाले, खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सामान बेचा जाता है वो हर दुकान पे अलग अलग होगा, या तो हाइट अलग होगी, वेट अलग होगा, फीचर अलग होगी, सुगंध अलग होगी, किसी ना किसी स्टाइल में अलग होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया नहाने के साबुन का, तो वो एग्जाम्पल मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। आपकी बुक में दिया हुआ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की मार्केट है भाई, वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। बहुत सारे पतंजलि का टूथपेस्ट आता है, कोलगेट का है, पेप्सोडेंट का है, क्लोजअप का है, एक्स वाई जेड, पता नहीं कितने सारे टूथपेस्ट आते हैं, सेंसोडाइन वेंसोडाइन बहुत आते हैं, समझ लो बहुत सारे हैं। और अगर तुम गेहूं की मार्केट लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, तो वो एग्जांपल दिया हुआ है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, लेकिन ये साफ बोल रखा है कि एग्रीकल्चरल मार्केट एक सही एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर मार्केट किसका एग्जाम्पल है, तो आप उसको बोल देना परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, तभी नंबर मिलेंगे। सही क्या है वो भी बता रहा हूं, नंबर कैसे मिलेंगे वो भी बता रहा हूं। ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली देखो मेरे को इसके वर्ड भी पता है, मैं चाहूं तो आपको बहुत आसान तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन इसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में दूंगा। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पर किसी सामान को बेचने वाली फर्म्स बहुत सारी नहीं होती, फ्यू होती है। कितनी? फ्यू। फ्यू को डिफाइन नहीं किया हुआ तो इसका मतलब 10 के आसपास होती है। 10 के आसपास जिस सामान को बेचने वाली कंपनी हो उसको बोलते हैं डुओपोली, ओ सॉरी ओलिगोपोली। ओलिगो का मतलब ही होता है फ्यू, पोली का मतलब होता है फर्म्स। जैसे कि मोबाइल फोन नेटवर्क की बात कर लो इंडिया में, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और एक दो होंगे, 10 तो नहीं है ना। तो मोबाइल फोन नेटवर्क की मार्केट आपकी ओलिगोपोली है। सीमेंट को बेचने की कंपनियां भी बहुत कम है, वो भी ओलिगोपोली है। तो यहां मोबाइल फोन नेटवर्क, कंपनी हो गई मान लो, तीन ही कंपनी है वैसे तो। सीमेंट को बेचने की भी बहुत कम कंपनी है, वो एग्जांपल हो गया। फिर दिया हुआ डुओपोली, डुओ का मतलब दो होता है, जैसे डुअल सिम फोन होता है ना, दो। जब किसी सामान को बेचने वाली दो कंपनियां हो सिर्फ, उसको बोलते हैं डुओपोली। दो ही मार्केट में, जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर बोलू कोल्ड ड्रिंक की दो ही कंपनी एग्जिस्ट करती है, एक पेप्सी और एक कोका कोला वर्ल्ड मार्केट में, बाकी लोकली तो बहुत सारी होती है। समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, एकदम नंबर वन, सुपर जूपर फास्ट तरीके से बात समझ रहे हैं। चलो कोई नहीं, और देख लो जी, एक होती है मोनोसोनी। मोनो का मतलब तो वन ही होता है ना। मोनोसोनी बड़ी खतरनाक लेवल की मार्केट होती है। ये एक ऐसी मार्केट है दोस्तों जहां पर सामान खरीदने वाला भी एक ही बंदा होता है, सॉरी मोनोपोली वो है जहां पर सामान बेचने वाला एक है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। मोनोपसोनी वो है जहां पर बेचने वाले कितने भी हो, खरीदने वाला एक ही है। जैसे कि हमारे देश में बम, गोला, बारूद कोई खरीदता है तो वो सरकार खरीदती है, न्यूक्लियर एनर्जी खरीदती है सरकार खरीदती है, खरीद ले चाहे वो अमेरिका से या रशिया से, लेकिन उसकी मार्केट को बोलेंगे हम मोनोपसोनी, ठीक है जी। फिर है ओलिगोपसोनी। ओलिगोपसोनी वो मार्केट है जहां पर किसी सामान को खरीदने वाले लिमिटेड लोग होते हैं, लिमिटेड लोग। जैसे कि मानो कि आपके चाय के बागान हैं या कॉफी का प्रोडक्शन करते हो, तो आपका सामान खरीदने वाले बड़ी बड़ी कंपनियां ही हैं, नेस्कैफे है, नेस्कैफे है ना कॉफी कंपनी, बरिस्ता है, स्टारबक्स है, दो चार कंपनियां हैं, टाटा भी है, मतलब लिमिटेड ही लोग है, फ्यू लोग। जब सामान को ये बायर्स के हिसाब से मार्केट डिवाइड कर रखी है, समझे, एक बायर है मोनोपसोनी, एक से ज्यादा 10 के आसपास बायर्स है ओलिगोपसोनी, लेकिन एक वर्ड आएगा बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफा, मोनोपोली का मतलब पता ही आपको सिंगल। तो बायलेटरल मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर सामान को बेचने वाला भी एक ही बंदा, खरीदने वाला भी एक ही बंदा। अब क्या करोगे बताओ, बेचने वाला भी एक, खरीदने वाला भी एक, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यहां पर भी डिफेंस मार्केट काम करती है कि डिफेंस आइटम को बेचने वाला भी एक है और खरीदने वाला भी एक है, ऐसा हो सकता है, ये मार्केट भी एग्जिस्ट करती है। ये बड़े शॉर्ट शॉर्ट में बताए हैं आपके कोर्स में, समझ रहे हो मैंने क्या बताया था, ये तो शॉर्ट शॉर्ट में मैंने बताए हैं अभी आपको, डिटेल में पढ़ने की बारी अब आई है भैया। डिटेल में पढ़ने से पहले आपको एक बात बताऊं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको करा रखा है बीच में ही, रेवेन्यू का। रेवेन्यू क्या होता है बीच में ही छेड़ रखे हैं इसके पुर्जे, तो इसके पुर्जे देख लेते हैं एक बारी। रेवेन्यू का मतलब बच्चे समझते हैं इनकम होती है, हैं? इनकम होती है, नहीं इनकम नहीं होती।
रेवेन्यू का मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं प्रॉफिट होता है, नहीं। आप मेरी बात देखो, आप बेचते हो आलू, आलू का रेट है एक किलो आलू का रेट है 10 रुपए, आपने बेच लिए 5 किलो आलू, 5 किलो आलू बेचने के बाद आपको मिले 50 रुपए, है ना दोस्तों, ये 50 रुपए आपको मिले हैं, ध्यान रखना। तो 50 रुपए आपका प्रॉफिट है? नहीं। आपने 5 किलो आलू 50 के बेचे, तो 5 किलो आलू आपने खरीदे भी तो होंगे, मान लो आपने 5 किलो आलू खरीदे 25 रुपए के, लेकिन बेचे कितने के? 50 रुपए। जितने का माल आप खरीदते हो वो आपकी कॉस्ट है, जितने का माल आप बेचते हो वो आपका रेवेन्यू है। और दोस्तों रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। कोई पूछे कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू, जितना भी आपको पैसा मिला है, माइनस टोटल कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब खर्चा, जो पैसा आपने खर्चा है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब काम की बात पे चलते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? मनी रिसिप्ट, पैसा जो आपको रिसीव हुआ, मनी रिसिप्ट या मनी रिसीव्ड कुछ भी लिख दो, मनी रिसिप्ट बाय सेलिंग अ गुड या अ कमोडिटी, कोई भी सामान बेच के जो भी आपको पैसा मिला वो रेवेन्यू होता है। मुद्दे की बात यह है, यहां बच्चा एक क्वेश्चन जरूर करके आएगा, एक क्वेश्चन यहां से बनता है उसका। हाँ, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे अपने बहुत सारे इसके मतलब निकाल सकते हो। तो भैया अब रेवेन्यू से रिलेटेड आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, पेपर के अंदर बोल दिया रेवेन्यू की 3 फॉर्म है जो आपको पढ़नी है। कौन कौन सी फॉर्म है देख लो जी, 3 फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एक पढ़ना है आपको टोटल रेवेन्यू जिसको TR बोलते हैं, एक पढ़ना है आपको मार्जिनल रेवेन्यू जिसको MR बोलते हैं, एक पढ़ना है आपको एवरेज रेवेन्यू जिसको AR बोलते हैं। अब शिद्दत से मेरी बात सुनते जाओ, नहीं तो कॉन्सेप्ट से भटक जाओगे। बुक के हिसाब से नहीं चल रहा, उस हिसाब से चल रहा हूं जिस हिसाब से आप पेपर में क्वेश्चन ठीक करके आओगे। देखो जी मेरी बात सुनो, एक मार्केट में मैं टेबल बनाता हूं, आउटपुट आपने 1 किलो आलू बेचे, 2 किलो आलू, 3 किलो आलू, 4 किलो आलू, ऐसे बेच रहे हो मान लो। आलू का प्राइस कितना है? आलू भैया 10 रुपए का 1 किलो है, मान लो 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो आलू, 10 रुपए किलो आलू, कोई नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि 1 किलो आलू बेचने के बाद कितने रुपए मिलेंगे आपको? आप बोलोगे 1 किलो आलू बेचेंगे तो 10 रुपए मिलेंगे, 2 किलो आलू बेचोगे तो 20 रुपए मिलेंगे, 3 किलो आलू बेचोगे तो 30 रुपए मिलेंगे, 4 किलो आलू बेचोगे तो 40 रुपए मिलेंगे। जो ये लिख रहा हूं ना, ये आपका टोटल रेवेन्यू है दोस्तों। टोटल रेवेन्यू आता है प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई करके। तो पेपर में एक फॉर्मूला बन जाता है कि टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू आउटपुट। ये पहली बात, एक नंबर का MCQ आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात, जो ये एवरेज रेवेन्यू है ना, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात होती है, एक ही बात। तो इसको मैं टोटल रेवेन्यू को ऐसे भी लिख सकता हूं, प्राइस की जगह लिख दूंगा एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू का ये फॉर्मूला भी ठीक है और ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहे हैं, ये पेपर में आएगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा तो देख लो जी, एक तो यहां पर हो गया, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला निकाल लो। एवरेज रेवेन्यू होता है दोस्तों टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। कैसे निकला ये? ये उससे ही बना है, एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रेवेन्यू आता है, ऊपर लिखा है। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आ गया, मैंने बना दिया फॉर्मूला। तो एवरेज रेवेन्यू का ये फॉर्मूला होता है, ये भी आपका क्लियर कट ओके रिपोर्ट है। अब बचता है अकेला मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है? तो भैया यहां लिख रहा हूं मैं मार्जिनल रेवेन्यू, ये TR के बीच का डिफरेंस होता है। मान लो आउटपुट 1 है तो 10 रुपए मिले आपको, इसके पीछे 0 आउटपुट होता तो 0 रुपया मिलता, तो 10 और 0 के बीच का डिफरेंस 10, 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10। तो ये MR आता है TR की वैल्यू को माइनस कर करके। तो MR का फॉर्मूला यहां मैं लिखता हूं गुलाबी रंग से, MR होता है TR की दो वैल्यूज का डिफरेंस। पहली वैल्यू को TRN बोल लो तो दूसरी वैल्यू को TRN-1 बोलना पड़ेगा,
जैसे कि मानो जे वाली वैल्यू आपको निकालनी थी, तो सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू को आपने डिफरेंस किया, ये बात आपको क्लियर कट होनी चाहिए। और मुद्दे की बात देखो, अगर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि वाई एम आर की वैल्यू गिवन है 10 10 10 और पूछा है टी आर की वैल्यू निकाल दो, तो आप निकाल सकते हो। एम आर की वैल्यू को जोड़ते रहो, स्टार्टिंग में 10 है 10 10 और 10 20 20 और 10 30, तो टी आर का फॉर्मूला बनता है एम आर को जोड़ते रहो, जोड़ने को बोलते हैं ये समीशन और एम आर। तो कोई फॉर्मूले पूछ ले आपसे तो फॉर्मूले एक लिस्ट में ले लो मुझसे, क्या फॉर्मूले है भैया, पहली कहानी बनेगी टोटल रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला एक होता है समीशन एम आर, ये पेपर में लिखना है, दूसरा होता है एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी, ठीक है, तीसरा होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही फॉर्मूले होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, एक नंबर यहां फॉर्मूले से बनेगा, अभी आपको एमसीक्यू भी दूंगा उसका। दूसरा, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TRN - TRN - 1, ये बच्चे कर लेते हैं लेकिन पेपर में क्वेश्चन यहां से नहीं आता, पेपर में क्वेश्चन एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, इसको भी करके दिखाऊंगा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आगे। फिर एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, बस ये तीन फॉर्म है, तीनों के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं आता, आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, बस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों इनके कर्व बनाए हुए हैं, एग्जाम में इनके कर्व ड्रॉ करने नहीं आएंगे, आपको डायग्राम पता होना चाहिए, एक डायग्राम बना रखा है जो शायद सर के ऊपर से चला जाए आपके। देखो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर किया था ना, तो मान लो ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है इसका, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, सब बच्चों को पता है, ठीक है। अब आपको एक बात और बता दूं, डिमांड कर्व को हम ए आर कर्व भी बोलते हैं, डिमांड कर्व और ए आर कर्व एक ही बात है। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं, जब इलास्टिसिटी 1 होती है ना, तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, ये टोटल रेवेन्यू मान लो, ये पॉइंट बताया हुआ है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है तो टोटल रेवेन्यू अपने आप में मैक्सिमम है, और जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू वहां पर 0 होता है। इतनी सारी बातें, ये बातें, ये बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो मैंने बड़ा मुश्किल डायग्राम बनाया हुआ आपकी कॉपी में, शायद मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ठीक है, इसके नीचे जाओगे तो इलास्टिसिटी कम होती रहेगी, इसके ऊपर जाओगे तो इलास्टिसिटी बढ़ती रहेगी, खैर वो चीज छोड़ दो, पॉइंट 1 था जो नोट करना था आपको, यहां से आपका क्वेश्चन बन रहा है। आप भी कह रहे होंगे लव सर आप तो बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहे हो, मोहम्मद शोएब चेंज इन डिमांड चेंज इन क्वांटिटी नहीं होगा भाई, एमआर के लास्ट वाले फॉर्मूले बता दिया मैंने, चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है लौंडे समझ गए, बढ़िया। अब दे देता हूं तुम्हें यहां से क्वेश्चन, अब देखता हूं, वो कहते हैं ना दिमाग में आया क्या, मगज में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, तो अब बताओ समझ में आया क्या, कैसे बताओगे, मेरे क्वेश्चन का जवाब देके। भाई पेपर में क्वेश्चन भी तो आएंगे उस्ताद, पेपर में क्वेश्चन भी आएंगे, और एक कैडी लेवल का क्वेश्चन अभी क्रैक करा दूंगा, देखो जी ये आया हुआ क्वेश्चन, शोएब भाई देख लियो पेपर का क्वेश्चन है ये, देखो तुम्हारे सामने कॉन्सेप्ट करा के सीधा पेपर का क्वेश्चन ठोकता हूं, क्या लिखा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एमआर के मैंने फॉर्मूले बता दिए, आपको बताना क्या है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, यानी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ये फॉर्मूला है, या चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है एमआर का, या चेंज इन प्राइस इनटू क्वांटिटी ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, कह रहा है चेंज इन प्राइस इनटू क्वांटिटी या अपॉन चेंज इन आउटपुट, ये जो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है ना ये टीआर होता है, तेज दिमाग लगा रहा है वो, लेकिन तुम हारोगे नहीं, या प्राइस बट ओनली इफ द फर्म प्राइस इज सर्चर, कुछ नहीं है ये गलत है, इन तीनों में से एक ऑप्शन ठीक है, आपको पूरा एक मिनट का समय दिया मैंने कटाक से, फिर आपका लीडर बोर्ड चालू होगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर मुझे,
आज इनके भाग जागे। जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, पेपर पार करना है बहुत बढ़िया तरीके से। ये 15 से 18 नंबर का चैप्टर है, सबसे महंगा अकेला चैप्टर यही है। चलो 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 चलें, बहुत बढ़िया बच्चे बने हुए साथ में, बिल्कुल ओके रिपोर्ट तरीके से। चलो जी टाइम इज अप, तो आपको बता देता हूं थर्ड वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। क्योंकि क्यों देखो ना, एम आर का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा आउटपुट भी होता है, तो टी आर को हम प्राइस इनटू क्वांटिटी भी तो लिखते हैं, इसकी जगह ये लिख दिया डेल्टा का डेल्टा लिख दो अपॉन डेल्टा क्वांटिटी, यही बोल रखा था ऑप्शन में। तो मैं सी वाला थर्ड वाला ठीक कर देता हूं और देखता हूं कितने बच्चों ने, भाई मोस्ट ऑफ द गाइस हैज गिवन वेरी एक्यूरेट आंसर। नंबर वन पे कुशाल, फिर ओमकार, फिर सुजल, फिर चिराग, फिर हर्ष, फिर एक्स वाई जेड भी नाम है क्या, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। और लीडर बोर्ड में देख लेते हैं, अनुराग टॉप कर रहा है, फिर सूरज है, फिर हेलार, फिर ब्रजेश, फिर हिमांशु, ये टॉपर्स हैं जो बने हुए हैं लीडर बोर्ड पे। मैं वैष्णवी दीक्षित को ढूंढ रहा हूं, कल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हेलार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चलो जी कोई बात नहीं, यहां से एक क्वेश्चन और आपके लिए ढूंढ लू क्या, मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन और सॉल्व कर दो मेरे लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे लिए लेकर आया मैं, देख लो जी। चलो जी टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये चार ऑप्शन है, इस बार मैं ऑप्शन रीड नहीं करूंगा, आपको सीधा एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो जी मुझे देना चाहिए वैसे 45 सेकंड्स, अब से 45 सेकंड का टाइम दिया करूंगा। भैया टीआर का फॉर्मूला बता दो उस्ताद, ये क्या लिखा है, नन ऑफ द अबव, ये इनकम इनटू क्वांटिटी, ये कुछ पढ़ाया मैंने, ये प्राइस इनटू इनकम, अच्छा ये प्राइस इनटू क्वांटिटी, कौन सा पढ़ाया है मैंने, वो आंसर होगा। एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन बहुत टुच्चे क्वेश्चन होते हैं, लप्पू क्वेश्चन बोलता हूं मैं उनको, लप्पू क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं भाई। ये पोल सिस्टम ठीक है, यहां पर आंसर देने का तरीका तुम कमेंट सेक्शन में लिख देते हो। एक क्वेश्चन और पूछूंगा 30 सेकंड के अंदर, उसका आंसर देना होगा। यहां पर वन इज द राइट आंसर, प्राइस इनटू क्वांटिटी या फिर एआर इनटू क्वांटिटी, कुछ भी इसका आंसर लिख सकते थे आप, या फिर समीशन एमआर भी पूछा जाता है इसका आंसर। चलो जी वन वाला इज द राइट आंसर। चलो जी सबने लगभग अभी, प्रेम, मयंक, लक्की, ओमकार, शशांक, लीडर बोर्ड में देख लो, अनुराग, फिर हेलार आ गया, फिर सूरज। चलो जी बच्चे चल रहे हैं धीरे धीरे, नंबर सफल हो रहे हैं, इसका मतलब कंपटीशन तगड़ा है। चलो जी एक क्वेश्चन और आपके लिए आया, एआर कैन बी सिंबॉलिकली रिटन एज, एआर को सिंबल के हिसाब से क्या लिख सकते हैं। 30 सेकंड दूंगा, खटाक से आंसर देना आपको, मैं नहीं बता रहा ऑप्शन क्या है, खटाक से सुपर फास्ट बनना है यहां पर, 30 सेकंड के अंदर आंसर देना आपको। देख लो जो रैंक होल्डर्स बच्चे हैं उनके सफल हो रहा है, एक थोड़ी थोड़ी देर में सफल हो रहा है ना, ये मीटर चलता जाएगा। जल्दी 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 चलो जी बहुत बढ़िया। यहां पर आपको पता होना चाहिए एआर को हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं वैसे तो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, कहां लिखा है ये रहा, थर्ड वाला इज द राइट आंसर, सी को टिक कर देंगे। और सबसे जल्दी आंसर सार्थक, कल टॉपर था, आदिल, हर्ष, हिमांशु, संस्कार और भैया आए, फिर दूसरे भी सार्थक, फिर सूरज, सुजल, फिर हिमांशु, फिर ओमकार देशमुख। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब क्वेश्चन वोशन बाद में आपके सामने पुट करूंगा, अब आ जाए जरा कम से कम एक मार्केट की पोल खोल दे, हमें अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ने हैं, मेन मेन मुद्दे
तीन होंगे। नंबर वन पे हम पढ़ेंगे मोनोपोली, मोनोपोली पढ़ेंगे ना, हां जी मोनोपोली पढ़ेंगे। मोनोपोली क्या होता है, हाउ डू मोनोपोली अराइज। मोनोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मोनो एक बना है पोली। दोस्तों मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है फर्म, एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पर सामान बेचने की सिर्फ एक फर्म है। ये मोनो और पोली जो शब्द है ना, वो ग्रीक कंट्री, ग्रीक ग्रीस कंट्री है एक यूरोप में, उस कंट्री की भाषा के शब्द है ये मोनोपोली। अब ये मोनोपोली किसी की सिटी में भी होती है, किसी की गांव में भी मोनोपोली है, किसी की अपनी गली में मोनोपोली हो सकती है, किसी की पूरे इंडिया में मोनोपोली है। इंडियन रेलवे की मोनोपोली पूरे इंडिया में है। जिसकी भी मोनोपोली होती है ना, वो एक खास बात करता है, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, वो भेदभाव करते हैं लोगों के साथ। जिसकी मोनोपोली है वो भेदभाव करेगा। भेदभाव का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग बंदों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। जैसे अब इंडियन रेलवे सरकार कैसे करती है, सरकार करती है भाई, बुजुर्गों से टिकट का प्राइस कम है, बच्चों के टिकट का प्राइस और कम है, लेडीज के लिए कभी कभी फ्री हो जाती है, हम जैसों के लिए रेट ज्यादा रहते हैं। बिजली की कंपनी है हमारे इलाके के अंदर, टाटा कंपनी बिजली सप्लाई करती है, तो किसी किसी इलाके में रिलायंस भी करती है, तो उनकी मोनोपोली होती है। सरकार ने बोल रखा होता है तुम ही सप्लाई करोगे, तुम्हारे अलावा कोई सप्लाई नहीं करेगा। तो क्या करते हैं ना, वो रेजिडेंशियल इलाका यानी घर वालों के लिए तो सस्ती बिजली है, बिजनेस और फैक्ट्री के लिए महंगी बिजली सप्लाई करते हैं। ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड है, वो भी प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन करता है। क्यों करता है, क्योंकि इनके अलावा कोई और सामान बेच ही नहीं रहा वहां पर यार, समझे। तो ये मोनोपोली की खास बात है, यहां पर सामान बेचने वाली सिंगल फर्म तो है ही है, आपको पता ही है, इतनी बात तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर ये करता है प्राइस का भेदभाव, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों मुद्दा ये बनता है कि आज के इस आधुनिक दुनिया में अगर आपका मन करे कि मुझे भी एक ऐसी मार्केट बनानी है जहां पर मेरी मोनोपोली हो जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है? आप मोनोपोली बना सकते हो क्या? आप मोनोपोली कैसे बना सकते हो, मुद्दा ये है। तो भाई देखो, मोनोपोली बनाने के कुछ रूल है, कुछ नियम है जो आपको पता होने चाहिए, चश्मा पहन के बताने में ज्यादा मजा आएगा। देखो जी, अगर आपके हत्थे कोई ऐसा आइटम लगा हुआ है जो दुनिया में या उस इलाके में या उस देश में किसी के पास नहीं है, तो आप उस एरिया या उस देश के अंदर अपनी मोनोपोली बना सकते हो। वो चीज जो आप बेच रहे हो वो किसी और के पास नहीं है, तो आपकी मोनोपोली हो गई। हो गई, बिल्कुल मान के हो गई। चलो जी कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है या यूनिक टेक्नोलॉजी है या यूनिक रॉ मटेरियल है जो मेरे पास भी है और किसी के पास नहीं है, हम दोनों के पास है, तो हम दोनों ग्रुप बना लेंगे, अपना ग्रुप बना लेंगे, फिर वो ग्रुप मोनोपोली बन जाएगा। ऐसा भी है, पूरी दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। बिजनेस में जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती हैं तो उस ग्रुप को बोलते हैं कार्टल, कार्टल बोला जाता है। कार्टल इसलिए बोलता हूं ताकि क्लियर समझ में आए आपको, कार्टल वैसे बोलते हैं, ठीक है ना। चलो जी और बढ़िया, आपको बताऊं तो बिगेस्ट एग्जाम्पल में कार्टल का है ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑयल बेचने वाली बहुत सारी कंट्री मिलकर इकट्ठी हो गई और उन्होंने अपना कार्टल बना लिया। वो अपने दुश्मन देश को तो महंगे में ऑयल बेचती हैं और जो दोस्त है उसको सस्ते में बेचती हैं ऑयल। अब पाकिस्तान को इसलिए सस्ते में ऑयल मिल रहा है, काफी सारे ओपेक कंट्रीज उनके दोस्त हैं, ठीक है, ये कह सकते हो आप, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है जी। अब आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो आप उसकी मोनोपोली कैसे बनाओगे? भैया आपको सरकार को बताना होगा, ये मेरे पास स्पेशल चीज है, आप मेरे को इसको कानूनी अधिकार दो कि कोई और इसको ना बेचे। तो सरकार आपको एक पेटेंट राइट देती है, तो पेटेंट राइट का मतलब एक्सक्लूसिव राइट है, जो ये बताते हैं कि आप ही ये काम कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा। चलो जी, आपके पास पेटेंट राइट हो जाए आप मोनोपोली बना लोगे, आपका कार्टल हो जाए आप मोनोपोली बना लोगे। कभी कभी सरकार खुद मोनोपोली बना लेती है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोली। जैसे कि सरकार ने बना रखी है एटॉमिक पावर की, कोई और हमारे देश में एटॉमिक पावर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं कर सकता, सरकार ही करेगी, है ना। कुछ राइटर्स होते हैं कॉपीराइट ले लेते हैं अपने कंटेंट का, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो वो अपनी मोनोपोली बना लेते हैं। कॉपीराइट मतलब जो चीज मैंने लिखी है वो डिट्टो कोई नहीं लिख सकता, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और बिल्कुल सही बोल रहे हो, मोनोपोली तभी बनती है जब आपने जो सामान बेचा है तो उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में ना हो। तो मोनोपोली की खास बात है इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, है ना।
और कैसे बन सकती है मोनोपोली भाई? मेरे इलाके के अंदर ऐसी एक चीज बिक्री है जिसे बोलते हैं बिजली, उसको सरकार ने परमिशन दे रखी है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, बेचने को तो बहुत लोग बेच सकते हैं, सरकार ने बोला सिर्फ तू ही बेच, तो उसकी ही वहां पर मोनोपोली है। तो कभी कभी गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करके या परमिशन देके बोलती है एक ही बंदा इस काम को करेगा और लोग नहीं करेंगे। कई बार नेचुरली मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, तो वो भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मोनोपोली क्रिएट कैसे होती है, उसके ऊपर आपकी बुक में 10 पॉइंट दिए हुए हैं, इतना हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, ओवरव्यू ले लो जरा उसका आईसीआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से, ये मोनोपोली कैसे कंट्रोल मतलब बनाई जाती है। तो पहला है, जब आपके पास स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो किसी स्केयर्स रिसोर्स का, ऐसा आइटम आपके हाथ से चढ़ जाए जो बहुत स्केयर है और आपके पास उसका कंट्रोल है। जैसे कि बताऊं, एक कंपनी है डे बियर्स, साउथ अफ्रीकन कंपनी है, दुनिया के मोस्ट ऑफ द डायमंड्स उसके पास हैं, उसकी मोनोपोली चलती है। आप देखोगे तनिष्क वाला, जोया लुकास वाला, मालाबार वाला, कितने सारे लोग हीरा बेच रहे हैं, सब हीरा कहां से लाते हैं? डे बियर से। इसी बात पे हेयरमेट उतारना पड़ गया मेरे को, समझ रहे हो? उसकी मोनोपोली है। या डेवलपिंग अक्वायरिंग कंट्रोल ओवर अ यूनिक प्रोडक्ट, या आपने कोई यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर लिया, आपने उसको खरीद ही लिया, तो जब आपने उसको खरीद ही लिया मतलब हायर कर लिया आपने, तो फिर अब उसके पास नहीं रहा जिसके पास था। या दोस्तों पेटेंट ले लेते हो या कॉपीराइट करवा लेते हो सरकार से, या सरकार तुम्हें कोई एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट कर देती है, जैसे टाटा पावर या रिलायंस पावर को कर रखे हैं, या आपके पास बहुत सब्सटेंशियल गुडविल है, यानी आप जो सामान बना रहे हो उसकी इज्जत है कि आप बनाओगे तो ही लोग खरीदेंगे। जैसे कि भारत के अंदर ग्लूकोज का बिस्किट दुनिया बनाती है, लेकिन पार्ले जी का ही बिकता है, क्यों? पार्ले जी की उसमें इज्जत बनी हुई है। बना रहे हैं यार, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं जो बना रहे हैं, ग्लूकोज का बिस्किट पार्ले का ही बिक रहा है, लेकिन ठीक है ना। और क्या हो सकता है? नेचुरली मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, या तुम कोई लीगल स्ट्रिंजेंट लेकर आ जाओ, ऐसे बोल दो कि भैया कि अब कोई मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऐसा बोल रही है कि हम ही इस काम को करेंगे। क्या लिखा है? स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दैट इफेक्टिवली डिस्करेज एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स विदाउट बीइंग स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, यानी ऐसा तुमने काम खोल लिया जिसमें दूसरे बंदे को एंट्री करना मना है। बहुत अजीब सी सिचुएशन है, जनरली ऐसा होता नहीं आजकल, ठीक है। वेरी हाई इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट, यानी ऐसा कोई काम धंधा जिसको स्टार्ट करने में अरबों करोड़ों रुपए लगेंगे, इस डर से कोई स्टार्ट ही नहीं करता, तो आपकी मोनोपोली है। ऐसी किसी चीज की मोनोपोली है? ऐसी तो नहीं है किसी चीज की। हाँ, डुओपोली है, पेप्सी और कोक इतने बड़े लेवल पर कोल्ड ड्रिंक बेच रही है, क्योंकि कोई तीसरी कंपनी एंट्री नहीं करती, सोचती ही नहीं है उसकी कंपटीशन करने के लिए, समझ रहे हो? तो बहुत हाई लेवल है। यूज ऑफ एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस और प्रीडेटरी टैक्टिक्स, प्रीडेटरी टैक्टिक्स या ऐसी चीजें होती है जब कोई तुम्हारा कॉम्पिटिशन करे ही ना तो तुम्हारी मोनोपोली बन जाएगी, है ना। जब ऐसे ही यार, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई है ना। या फिर तुम कार्टेल बना लो, कार्टेल को मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं, मैं बहुत छोटे में बता रहा हूं क्योंकि छोटे में ही जानना आपको जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, मोनोपोली की फीचर्स क्या है? तो सिंगल सेलर होता है सामान को बेचने वाला, बैरियर्स है, कोई और एंट्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? या तो लीगल रेस्ट्रिक्शन है, या उसके पास वो टेक्निक ही नहीं है जो तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। इस सामान का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए यहां पर इन इलास्टिक डिमांड होती है। ये भी पेपर में कैच कर सकते हो, इन इलास्टिक डिमांड क्यों होती है, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूट कम है। मार्केट पावर है इसके पास प्राइस को डिसाइड करने की, प्राइस कंट्रोल है, यानी जो भी कॉमोडिटी का प्राइस होता है मोनोपोली खुद डिसाइड करती है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेट करती है, बड़ी चलाक है, अलग अलग बंदों से अलग अलग प्राइस चार्ज करती है। मुद्दा है यहां डिमांड कर्व कैसा होता है, तो भैया एआर कर्व को डिमांड कर्व बोलते हैं। यहां डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन एआर कर्व हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से ऊपर बनता है। यह कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी नीचे नहीं जाएगा, यह चला जाता है। यह बेसिक डायग्राम है इसका, ठीक है। और भी खतरनाक बन सकते हैं, लेकिन खतरनाक की एंट्री में बाद में कराऊंगा। यह हो गया मोनोपोली। चलो जी, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, बिल्कुल होती है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी क्यों करते हैं लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? कभी कभी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए,
या डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, फालतू का माल पड़ा है उसको बेचने के लिए। जब किसी कंपनी पे फालतू का माल हो जाता है ना, वो जानबूझ के प्राइस कम कर देती है, कर देती है। अरे मैंने देखा है बहुत सारी कपड़े बेचने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि अब तुम किसी के सामने बताना मत, मेरे को ट्रिक पता है, ये पीटर इंग्लैंड है, कॉब है, पेंटालूंस है, एलेंजोली है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका सामान नहीं बिकता ना, तो वो साइड वाली मार्केट में उस सामान को बहुत सस्ते में बेच देते हैं। तो वही चीज, ब्रांडेड चीज बहुत सस्ते में बिक जाती है, ऐसा असली में हो रहा है भाई, समझ लो। तो सरप्लस स्टॉक को येट टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, सस्ता। वो भेदभाव इसलिए करती है ताकि उसको सस्ता पड़े सब कुछ, ऐसा कैसे हो सकता है, भेदभाव कर रही है सस्ता पड़ेगा सब कुछ, किसी को तुम माल महंगे भी बेच रहे हो, किसी को सस्ते भी बेच रहे हो, किस लिए, क्योंकि भैया उसको सस्ता पड़ता है इसलिए तुम अलग अलग प्राइस चार्ज कर लेते हो, सस्ता पड़ता है ये ऑब्जेक्टिव बनाना चाहती है वो। टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, कभी कभी फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ती है, चाइना ऐसा करता है, इंडिया भी ऐसा कर रहा है, कैसे, आप अपने देश में महंगा सामान बेच रहे हो, विदेशों में सस्ता बेच रहे हो, ऐसा इंडिया चाइना कर रहे हैं, करना चाहिए ऐसा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है इंडिया में तो चलो चल रहा है, वर्ल्ड में बाहर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आउट ऑफ द कंट्री सस्ते में सामान बेच दो, इस वाली चीज को हम अलग से डंपिंग भी बोलते हैं, डंपिंग, डंपिंग का मतलब होता है अपने देश में अलग प्राइस, फॉरेन कंट्री में अलग प्राइस, अपने देश में आलू 20 रुपए किलो, फॉरेन कंट्री में आलू 19 रुपए किलो हम बेच रहे हैं। टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, यानी कंपनी चाहती है कि अपनी इक्विटी, इक्विटी मतलब मार्केट में शेयर बचाए रखे, ओनरशिप मेंटेन रखे, प्राइस चार्ज कर करके, अलग अलग प्राइस चार्ज करके, समझ लो जैसा कस्टमर आया वैसा चेप दिया, ऐसा कुछ सोच के। चलो जी, बेसिकली इट वॉज अबाउट मोनोपोली, लेकिन अब आ जाओ दोस्तों ओलिगोपोली पे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, ओलिगोपोली। अब देखो यहां पर ओलिगो का मतलब क्या होता है और पोली का मतलब क्या होता है, ये देख लो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, पोली का मतलब होता है फर्म्स, ऐसी मार्केट जहां पर बहुत कम फर्म्स हो, कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी और कोक, मोबाइल फोन नेटवर्क के अंदर कौन है, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वीआई, वोडाफोन आइडिया, ऐसी कंपनीज के एग्जांपल इसके अंदर टॉप क्लास में माने जाते हैं, समझ लो। तो हमारे यहां पर मान लो ओलिगोपोली है, दो फर्म्स हैं, ये मिलके क्या करती हैं, कभी कभी दो फर्म्स बड़ी चलाक हैं, दोनों मिलके ग्रुप बना लेंगी। मैं बताता हूं आपको एक छोटी सी बात, यहां पर चाय पीते पीते, कभी कभी दो फर्म्स ना मिलकर ग्रुप बना लेंगे और बड़ी शानी है, तेज रकम है, दोनों फर्म कभी भी प्राइस कम नहीं करेंगी, जनता को उल्लू बनाए रखेंगी, क्योंकि कभी देखो ना यार, पेप्सी कोक का देखो, मान लो 10 की पेप्सी लव सर पे है टैक्सी और 10 की कोक है, ये रेट लगभग सेम रखती है, ये 9 कर देगी रेट तो इसको भी 9 करना पड़ेगा, ये 8 कर देगी तो ये 7 भी कर सकती है, ये 7 कर देगी ये 5 भी कर सकती है, दोनों मर जाएंगी, प्राइस फोर हो जाएगा। ये प्राइस के हिसाब से लड़ती नहीं है ये मोनोपोली, ये मिलकर चलती है, लेकिन जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये प्राइस के हिसाब से लड़ भी रही हैं। तो ओलिगोपोली में अलग अलग टाइप्स पाई जाती हैं, जब थोड़ी सी फर्म सामान बेच रही होती हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप्स हैं, आपके कोर्स के हिसाब से ये टाइप्स गिवन है। देखो जी ओवरव्यू ले लो, एक है प्योर ओलिगोपोली, इसको परफेक्ट ओलिगोपोली भी बोलते हैं, परफेक्ट ओलिगोपोली ऐसी ओलिगोपोली होती है जहां पर सारी फर्में डिट्टो सेम सामान बेच रही हैं। अब ये एयरटेल, जियो वगैरह जो है डिट्टो सेम नेटवर्क ऑफर कर रही हैं आपको, क्या किसी का क्या अलग नेटवर्क है? है किसी का नेटवर्क हरे रंग का है, किसी का नेटवर्क लाल रंग का है? नहीं, सेम नेटवर्क है। तो ऐसी ओलिगोपोली जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचती हो, सिमिलर बिल्कुल बेचती हो, जैसे कि गोल्ड की मार्केट में, गोल्ड नहीं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनी है जो एल्यूमिनियम बेच रही है, तो एल्यूमिनियम तो हर जगह सेम मिल रहा है ना। फिर एक होती है ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली, ओपन मार्केट ऐसी मार्केट होती है, ओपन ओलिगोपोली ऐसी मार्केट जहां पर कोई भी एंट्री कर लो, कोई लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई भसूड़ी नहीं है फॉर्मेलिटीज की। क्लोज्ड ओलिगोपोली ऐसी ओलिगोपोली है जहां पर आप आसानी से अपनी एंट्री नहीं कर सकते। अब ये मान लो मोबाइल फोन के नेटवर्क की मार्केट है, मैं तुम चाहो एक और इंटरनेट कंपनी खोलना, वो नहीं खोल सकते, सरकार से स्पेक्ट्रम परचेज करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, आसान नहीं है। तो ऐसी ओलिगोपोली जहां पर कोई भी आ जाए
ओपन है, पेप्सी कोक वाली ओपन है, कोई भी आ जाओ कोल्ड ड्रिंक में, कैसे आ जाओ, लेकिन माल बहुत चाहिए यार, माल तो चाहिए, समझ रहे हो बात को? ठीक है, फिर एक होती है कॉलिसिव ओलिगोपोली, एक होती है कंपेटिटिव ओलिगोपोली। कॉलिसिव का मतलब कोऑपरेटिव ओलिगोपोली, कंपेटिटिव का मतलब नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली, नॉन कंपेटिटिव ओलिगोपोली। यानी जो दो फर्म एक साथ मिलकर चले, जुड़ के चले, कॉलिसिव ओलिगोपोली, दो फर्म एक दूसरे की मार काट में लगी रहे, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्रीराम सीमेंट, बिरला सीमेंट, एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में लगी रहती है, ये होती है कंपेटिटिव ओलिगोपोली। एक पार्शियल ओलिगोपोली और एक फुल ओलिगोपोली, एक सिंडिकेटेड ओलिगोपोली और एक ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, ये कुछ और टाइप हैं। आप जस्ट एक एक वर्ड यहां से रीड करके इसको कवर अप कर सकते हो। अब मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, सर इसको भी तो बताओ ना, जानबूझ के नहीं बता रहा, क्योंकि बेटा ये जो सारे नोट्स है ना, ये आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम चैनल वहां पर मिलेंगे, ठीक है। चलो जी, ओलिगोपोली हो गई। अब देखो दोस्तों, ओलिगोपोली की जो खतरनाक बात है ना, यही आ जाता हूं वापिस। ओलिगोपोली में हमारे पॉल स्वीजी नाम के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला कि ओलिगोपोली के अंदर डिमांड कर्व नहीं होता। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है पेपर में, इस बात ध्यान रखना, कह रहे डिमांड कर्व नहीं होता, लेकिन हमने स्पेशल डिमांड कर्व बनाया है, वो टेढ़ा मेढ़ा डिमांड कर्व है। कैसा है देख लो, ये बोलते भैया यहां टेढ़ा मेढ़ा डिमांड कर्व होता है, रंग लो इसका, रंग बनाऊंगा हरा, ऐसा डिमांड कर्व होता है, और यहां पर एक प्राइस है, और इस डिमांड कर्व को बोला हुआ है किंक, किंक्ड डिमांड कर्व। पेपर में आता है क्वेश्चन, किंक्ड डिमांड कर्व कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट में होता है, तो आप बोलोगे प्यार से ओलिगोपोली में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोलता है कि जिस प्राइस को चार्ज किया जा रहा है ओलिगोपोली में, अगर इससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर दिया ना, तो देखो डिमांड कर्व लेटा हुआ है, जब लेटा हुआ है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो मोर इलास्टिक हो जाएगी डिमांड, लेकिन इससे कम प्राइस चार्ज करोगे तो डिमांड कर्व खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ तो लेस इलास्टिक होती है, तो लेस इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। बस इतना ही बोलता है, ये कहता है कि जो प्राइस चार्ज कर रहे हो वही करते रहो, प्राइस आप बढ़ाओगे तो डिमांड ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी, ज्यादा इलास्टिक होने का मतलब बदल जाएगी, जैसी तुमने प्राइस बढ़ाया तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा, डिमांड कम कर देंगे, और प्राइस कम कर दोगे तो डिमांड लेस इलास्टिक है, यानी चेंज नहीं आएगा, प्राइस कम करने से ज्यादा उछलेगी नहीं डिमांड, तो प्राइस कम करने का फायदा नहीं है और बढ़ाने का बहुत नुकसान है। तो प्राइस जनरली ओलिगोपोली मार्केट में सेम सेम सा रहता है, ये पॉल ए स्वीजी का कहना था। इस मॉडल को अच्छे से समझ लेना, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। ये ओलिगोपोली के बारे में आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई डायग्राम वगैरह भी नहीं है। चलो जी, फिर चलो, आप बोलोगे सर क्वेश्चन करा दो इसके ऊपर, तो भैया एक क्वेश्चन इसके ऊपर ले लेते हैं, आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं, ये लो जी, इससे पहले वाला, एवरेज रेवेन्यू कर्व को और क्या बोलते हैं, क्या दूसरा नाम है, चार नाम दिए हुए हैं, आप 45 सेकंड में मुझे इसका आंसर दे दो, एवरेज रेवेन्यू कर्व का दूसरा नाम बता दो भाई, हां सुमेश राय बिल्कुल ठीक है, चलो जी, धड़ बच्चों को बताइए कि एवरेज रेवेन्यू कर्व डिमांड कर्व होता है, इसमें ज्यादा डरने वाली बात ही नहीं है, मैं भी ऑप्शन नंबर टू को क्लिक करूंगा। देख रहे हो कितने इजी लेवल के बच्चे इस वाले चैप्टर में, खतरनाक खतरनाक लेवल के डायग्राम देखते रहते हैं और कहते हैं ये डायग्राम कैसे बनेगा, वो डायग्राम कैसे बनेगा। अरे डायग्राम तुम्हारे पेपर में थोड़ी आ रहा है, तुम्हें तो पॉइंट पता होने चाहिए, जो पॉइंट मैं डिस्क्लोज करूंगा आपको पेपर में क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा। चलो जी, देखो पूरा चैप्टर कोर्स में क्यों पढ़ाया जाता है, पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे को ज्ञान हो जाए, लेकिन जब बात आती है पेपर क्रैक करने की, तो पेपर क्रैक करने के लिए स्पेशल आइटम बने होते हैं, वो पढ़ के जाने होते हैं। चलो जी, सबसे ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया सार्थक, फिर मयंक, फिर विशाल, फिर गिरीश, फिर ईशा, फिर एक्स वाई जेड, और टॉप पे बने हुए हैं सार्थक, फिर हेलेहर, भाई कॉम्पिटिशन वही है, मयंक, रितेश, तुजल, यहां देख रहा हूं, बहुत ही बढ़िया बच्चों, अपने नाम भी देख रहे हो आप,
ये नाम बहुत अच्छा है, क्रेजी कार लवर 29 नंबर पे, नाइस। चलो जी आगे बढ़ लेते हैं जी, ये बात हो गई। एक प्यारा सा जवाब और दे दो मेरे क्वेश्चन का, मेरे क्वेश्चन का एक प्यारा सा जवाब दोगे तो मजा आ जाएगा मुझे। और आपके लिए क्वेश्चन ये राजी, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे, लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन डैश प्रोडक्ट, प्योर ओलिगोपोली कौन से प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, ये आपका क्वेश्चन है। डिफरेंशिएटेड मतलब हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, अनरिलेटेड, नन ऑफ द अबव आंसर नहीं है, तीनों में से एक है। फटाक से कर दो, फटाक से आंसर। अब आगे बढ़ रहे हैं फिर टॉपिक के, मोनोपोली और ओलिगोपोली हो गई, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन रह गया, वो चीज बताऊंगा अभी आपको। सही चल रहा है, बिल्कुल जबराट कोर्स चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलो जी मैं आपको बता दूं, देखो प्योर ओलिगोपोली वो होती है जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन नेटवर्क। इंप्योर ओलिगोपोली वो होती है जहां पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचा जाता है, ठीक है, वो इंप्योर होती है। प्योर की बात कर रहे हैं तो हम टू को ओके करेंगे, टू यहां आ गया, चला 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 उस्ताद। चलो जी ओके रिपोर्टर, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, ओमकार, ताज, रीमा, हिमांशु, देन वैष्णवी, ठीक है जी। इसमें क्या चल रहा है, सार्थक ऊपर पे, फिर ओमकार, फिर मयंक, फिर हिमांशु, रितेश, सूरज, ब्रजेश, हेल यार कहां गया भाई। चलो ठीक है, कोई नहीं, दीज आर योर पॉइंट्स, धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे। आ जाते हैं भैया परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे उस्ताद। परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे आने से पहले आपको एक नंबर का क्वेश्चन रिवील कर दूं, पेपर में आता है एमआर और एआर के आपस के बीच का मैटर, इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक फॉर्मूला बना हुआ है, बीच में क्रैक कर लेते हैं। तुम भी बोलोगे सर बीच में क्या ले आते हो, भैया एआर एमआर और टीआर का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेशन है, ये फॉर्मूला है, एमआर इज इक्वल टू एआर ब्रैकेट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस वन अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई लिखा हुआ यहां पर, समझ रहे हो। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन होती है तो एमआर की वैल्यू जीरो होती है, कैसे, आप यहां वन 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 पुट कर दो। तो पेपर में क्वेश्चन आता है अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज्यादा है तो बताओ एमआर की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये आपके लिए टास्क है, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो ये पेपर में बनता है क्वेश्चन भाई, ये फॉर्मूला क्रैक करना है और क्वेश्चन बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। पेपर के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। चलो जी कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे आ जाओ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मेन फीचर्स, मेन फीचर पे ध्यान देंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते ही हैं, कोई माइका लाल इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, बायर्स भी बहुत सारे एंड सेलर्स भी बहुत सारे, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आओ दुकान खोलो, भागो बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन। खास बात होती है एक फर्म होती है यहां पर प्राइस टेकर। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बन रहा है, पेपर में क्वेश्चन बन रहा है परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर है, मोनोपोली के अंदर फर्म प्राइस मेकर है, मोनोपोली के अंदर फर्म अपना प्राइस कंट्रोल करती है, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस फर्म लगा रही है अपने प्रोडक्ट का, यानी जिस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को फर्म बेच रही है, वो पूरी मार्केट ने डिसाइड किया है, पूरी फर्म ने डिसाइड किया है। इसके ऊपर डायग्राम आएगा, मैं समझाऊंगा बाद में, आपको बता देता हूं। देखो ऐसे फर्म प्राइस डिसाइड करती है वहां पे जहां डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं, यहां पर प्राइस डिसाइड होता है, और ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है, सॉरी इंडस्ट्री का डायग्राम है, ये फर्म का डायग्राम है, फर्म इस वाले प्राइस को एक्सेप्ट कर रही होती है, ये प्राइस है ना, इस प्राइस को एक्सेप्ट करती है, ये एआर कर्व बोलो या प्राइस लाइन बोलो या डिमांड कर्व बोलो, तो फर्म प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, इतनी बात ध्यान रखो बस, ठीक है। यहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है, यानी वो सामान बेचा जाता है जो हाइट वेट कलर साइज में सेम हो, बहुत सारी फीचर्स हैं, बस इतना ध्यान रखना कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, चलो एक बार ही बताता हूं क्लियर करके, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या,
अभी क्लियर करता हूं सारी की सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, इसके मैंने परफेक्ट कंपटीशन कराया ना आपको। हाँ, एक मेन बात और, यहां पर एआर और एमआर एक दूसरे के बराबर होते हैं, यही एआर है यही एमआर है। अभी क्लियर कर दूंगा मैं बाबू, मेरी बात सुन लो एक बारी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में भी बात सुन लो। क्या बोल रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी ऐसा होता है जहां पर बहुत सारा सामान बेचा, मतलब बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादा होते हैं या परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा होते हैं, आप साफ बोल देना परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, यहां पर जो सामान बेचा जाता है वो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है, इसलिए यहां पर डिमांड मोर इलास्टिक होती है, ईडी इज मोर देन वन होती है। और दोस्तों परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी होती है। यहां का डिमांड कर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, देखो ये तो रहा, यही डिमांड कर्व है, यही एआर कर्व है, एक ही बात है। तो इधर बताऊंगा अभी, इधर आप देखोगे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब यहां पर भी नो रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी साबुन बेच लो टूथपेस्ट बेच लो कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको एआर इज मोर देन एमआर मिलेगा, बहुत सारी और भी फीचर्स हैं, लेकिन जो काम की है मोनोपोली की तरह एआर यहां पर बना हुआ है और एमआर ऐसा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं जो अब आपको जाननी है, आप बोलोगे लव सर अलग क्या करा रहे हो, पेपर का कॉन्टेंट कराओ ना, ये तो बुक में तो फीचर लिखी है, हम तो पहले ही पढ़ रहे हैं। तो देखो बाबू, तीन एआर कर्व बना रहा हूं, एक एआर कर्व ये है एआर वन, एक एआर कर्व ये है एआर टू, एक एआर कर्व ये है एआर थ्री। अब मेरी बात सुनना बाबू, ये एआर कर्व होते हैं ना, ये डिमांड कर्व होते हैं, एआर कर्व और डिमांड कर्व एक ही बात है, कौन सा एआर कर्व कौन सी मार्केट का है ये पता कर लो। जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है परफेक्ट कंपटीशन का एआर कर्व है। चलो जी, ये थोड़ा ज्यादा इलास्टिक है, ये थोड़ा कम इलास्टिक है, जो ज्यादा वाला इलास्टिक है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का होता है। और जो कम इलास्टिक है वो मोनोपोली का होता है, ओलिगोपोली की बात ही नहीं करते हम यहां पर, समझ गए मेरी बात। तीन यहां पर सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब तुम बोलोगे सर पेपर में तो कुछ वो नॉर्मल प्रॉफिट वाले क्वेश्चन आ रहे थे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे बाबू। तो देखो भैया, लॉन्ग रन की बात होती है, लॉन्ग रन में ओलिगोपोली की बात नहीं करते, बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या कमाता है, ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या कमाता है। मोनोपोलिस्टिक, ये क्वेश्चन सुन लो, और मोनोपोली क्या कमाती है। देखो जी, लॉन्ग रन आएगा तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कमाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और मोनोपोली कमाती है यहां सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तुम बोलोगे सर ये मोनो, ये नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन बनता है, क्या होता है मोनो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट। देखो जी, जब आप अपने सामान को बेचने के लिए जो प्राइस चार्ज कर रहे हो वो अगर एवरेज कॉस्ट के बराबर है, एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी लिखते हैं, तो आप मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो, ये कंडीशन आ रही है पेपर में। अगर आप प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हो एवरेज टोटल कॉस्ट से तो आप ज्यादा प्रॉफिट चार्ज मतलब गेन कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, लेकिन गलती से आपने प्राइस कम चार्ज कर लिया और एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा है, तो भैया कॉस्ट ज्यादा है तुम प्राइस कम चार्ज कर रहे हो तो यू आर मेकिंग लॉस, यू आर मेकिंग लॉस। ठीक है, इसके साइड में एक सिचुएशन हो जाती है, सर यह भी सुना है कि एक शटडाउन पॉइंट होता है। जी हां, एक शटडाउन पॉइंट होता है, इसका पेपर में क्वेश्चन बन रहा है, क्या होता है ये, ऐसा सिचुएशन जहां पर आप वो प्राइस चार्ज कर रहे हो
जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। यानी यार तुम एवरेज टोटल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे, उससे छोटी होती है एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उतना प्राइस तो चार्ज करो कि तुम उसको कवर करो। कोई भी फर्म हो जहां पर प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो गए तो उस सिचुएशन को बोलेंगे शट डाउन पॉइंट। अगर तुमने प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम रखा हुआ है ना तो दुकान बंद, बिजनेस शट डाउन हो जाता है। शट डाउन पॉइंट नहीं, शट डाउन, दुकान बंद। इतना नुकसान उठा लिया कि दुकान बंद, सारा काम जाम पैक। ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने जरूरी है। इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, कब नॉर्मल प्रॉफिट है, कब लॉस हो रहा है, ये सिचुएशंस कैसे पता लगेंगी, इलास्टिसिटी का क्या पता लगेगा। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही, अरे मेरी जान सार्थक भाई, सार्थक भाई ने बोल दिया बिजनेस बंद, इसको शट डाउन वाइंड अप बोलते हैं, वाइंड अप, वाइंड अप बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए भाई, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, ये शब्द बहुत बढ़िया है, शटर बंद। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना जो मैं आपको की टर्म्स के साथ बता रहा हूं, ये पेपर में आने वाले हैं, ये एग्जाम मोड चालू हो जाता है यहां से। अब क्या है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उन सबको फिल्टर करके लव सर आपको बता रहे हैं। फिल्टर करके मतलब वो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए, समझ रहे हो। चलो जी अगले पे आते हैं जी। सर आपने ये बता दिया, ये मार्केट वो मार्केट, मार्केट में डायग्राम वगैरह, ठीक है। अब देखो जी पेपर में ये बोल रखा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना किसी कंपनी को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। कोई भी कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है तो उसके दो बिहेवियरल प्रिंसिपल है, यानी दो रूल है, दो रूल है जो उसको फॉलो करने हैं। पहला कि कंपनी कम से कम इतना पैसा कमाए कि वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुड बी कवरेबल। दूसरा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू फर्म के बराबर रहे, ऊपर नीचे कोई बात ना हो। अब देखो भाई इसका डायग्राम भी बन सकता है, खतरनाक खतरनाक डायग्राम है किताब के अंदर, ठीक है। लेकिन डायग्राम बनाने की जरूरत क्या है, पेपर में नहीं आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी क्या होती है। अच्छा एक और चीज देखो जी, जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, यह फैक्ट है पेपर का भाई, ये लाइन सुन ली मेरे हाथ की लिखी हुई देख ली तो नंबर पक्का आपका। इसको हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। और कौन सा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो यार यूं होता है, तो इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन, अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ ये वाला पोर्शन, जो मार्जिनल कॉस्ट का अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन होता है उसको सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में। मुद्दे की बात बताऊं कि मोनोपोली में, यहां बोलेंगे मोनोपोली में, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये, मोनोपोली में एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व कही जाती है, एब्सेंस ऑफ एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व नहीं होता उसमें, अपनी मर्जी से कॉस्ट ऊपर नीचे हो रही होती है, अकेला बंदा है धुमाधार, जो मन करेगा वो प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है भाई। निलेश पालीवाल मैं भी आप सबसे प्यार करता हूं। हां सार्थक ये भी है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एमआर कर्व फ्रॉम द बिलो, ठीक है। प्रेम बंसल बिल्कुल है, डिग्रीज भी हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्रीज भी है, तीन डिग्री होती है, लेकिन ये जो क्लास है ना आपके लिए, ये क्लास धुआंधार क्लास है, फिल्टर करके टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं क्योंकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हो भाई। नवन शर्मा टोपी पहन के पढ़ाऊं, टोपी तो ना लाया भाई, टोपी मेरे पास है नहीं। तो आपसे प्यार से एक क्वेश्चन का जवाब चाहूंगा मैं, मुझे बच्चों जवाब दे दो क्वेश्चन का, क्विज के फॉर्म में आपसे पूछता हूं। हा 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 हा, ये लो जी ये क्वेश्चन पूछ लिया, विच इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू बी मैक्सिमम। एक फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कौन सी है, मतलब कौन सी कंडीशन है फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। एसीएमआर बराबर होनी चाहिए एमआरएमसी या एमआरएआर या एसीएआर, क्या बराबर होना चाहिए, पेपर का क्वेश्चन है, 30 सेकंड में जवाब देना आपको। देख रहे हो साथ के साथ आप क्वेश्चन भी क्रैक करते हुए जा रहे हो, जल्दी से आ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे।
मात्र 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है आपको। चलो जी बहुत बढ़िया। एमआरएमसी बराबर होने चाहिए उस्ताद, एमआरएमसी ये बराबर होने चाहिए। टू वाला राइट आंसर है, टू वाले को टू कर दूंगा, टू वाले को टू कर दूंगा, ठीक है ना। चलो जी लाइक ठोको, लाइक लाइक ठुकने चाहिए यार, ये 439 लाइक हो रखे, 500 लाइक ठोको यहां पे। चलो चलो जी, ब्रजेश टॉप पे, फिर हर्ष, फिर अंकित, फिर हिमांशु, फिर अभी, कहां गए वो दो। चलो जी ऊपर देखते हैं यहां पर कहां है। चलो सार्थक ऊपर चल रहा है, फिर ओमकार, ब्रजेश का भी नंबर आ गया, सुजल को भी देख लिया मैंने बीच में, ताज भी आ गया, प्रेम बंसल, हेल यार यहां पहुंच गया भाई 18वें पे, क्या कर रहा है मेरे भाई, क्रेजी कार लवर ओपेटे ऊपर उठता हुआ। चलो जी आगे आ जाओ जी उस्ताद, अब आपको एक चीज कराता हूं मैं। आ, 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 आ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोनोपोली में डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, मोनोपोली में जो फर्म होती है प्राइस को कंट्रोल करने की, उसके पास कितनी डिग्री है, बहुत ज्यादा है या जरा सी है, मतलब नहीं है या थोड़ी सी सम, या बहुत ज्यादा वेरी कंसिडरेबल, या उनमें से कोई नहीं। तो 30 सेकंड्स में यू गाइस विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन। चलो जी चलो 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 बहुत बढ़िया। हा भाई वेरी कंसिडरेबल है, बहुत धुआंधार तरीके से कंट्रोल करती है, यही तो है इसके पास और है क्या। तो ये वाला आंसर भी हो गया, सी वाला तो टिक कर दू। टिप टिप बरसा पानी, क्या करता है वो। चलो जी 91% बच्चों ने सही आंसर दिया, विप चैट आया है, सोनाली, हेलार, मयंक, रिफत, शिवम, बच्चे बहुत बड़ी आंसर दे रहे हैं, जरा चेक कर लो जरा। सार्थक टॉप पे, फिर ओमकार, फिर हिमांशु, फिर सुजल, फिर मयंक, प्रशांत, ब्रजेश, ताज, यहां 13वें पे आ गया भाई, सही है, तनुज, सचिन जी भी हैं 20वें पे। चलो जी क्रेजी कार लवर 25वें पे, वैष्णवी दीक्षित 30वें पे आ गए भाई, जल्दी जल्दी, जो तो बच्चे लगातार आंसर देते रहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं बच्चों को नाम भी नोट करता हूं, जब तुमसे मिलूंगा ऑब्वियसली मुझे सब ध्यान रहेगा कौन सा बच्चा कैसे आंसर देता था, नाम रहेगा ना। चलो जी सीक्रेट राइजिंग स्टार 65 नंबर पे, जानता हूं मैं, सुमेश राय, श्रेया, वेरी गुड गाइस, चलो नंबर तो बहुत सारे हैं। आ जाओ जी एक नए कॉन्सेप्ट पे आपको लेकर चलता हूं। अब देखो दोस्तों यहां पर ना बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको है ना ये जो नोट्स हैं वो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करने हैं, और कुछ क्वेश्चन यहां पर अनसॉल्वड है वो आपको सॉल्व करने होंगे, समझे। चलो जी 1 2 3 4 6 मैं आपको अब कराऊंगा प्राइस डिटरमिनेशन। आपके पास परफेक्ट कंपटीशन का ही है। प्राइस डिटरमिनेशन कहां पर होता है उस्ताद, किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस वहां पर डिसाइड होता है जहां पर उसकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। देखो जी कैसे, ऐसे ये डिमांड कर, ये सप्लाई कर, दोनों ने एक दूसरे को कट किया ई पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके सामने जो प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसके नीचे जो क्वांटिटी है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब आजकल एग्जाम की मुहिम चल रही है, चैप्टर नंबर 2 था थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वहां पर भी ये डायग्राम बना रखा है, उसमें ऐसे डायग्राम बना रखा है दोस्तों, ये और ये दोनों कर्व कट कर मतलब टच कर रहे हैं वाई एक्सिस को, और मैं बीच में रंग चेंज कर देता हूं, यहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस है, और दोस्तों ये जो है ना देखो प्राइस से ऊपर का जो एरिया है ये वाला, ये कंज्यूमर सरप्लस होता है संतरी वाला, और जो पीले वाला एरिया है ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। यहां पर सोशल एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, एक पॉइंट वहां रह गया था इंपॉर्टेंट था तो मुझे यहां बताना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उनके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट भी होता है,
और ये वो पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों का टोटल मैक्सिमम भी है। खैर इस डायग्राम को यहां बीच में नहीं घुसाते हैं, पेपर में ये आता है जी। इससे रिलेटेड क्या आता है, इससे रिलेटेड आता है बताओ जी, अगर डिमांड और सप्लाई अगर इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है। मैं बोल रहा हूं देखो जी, ये और ये डायग्राम बना दिया मैंने। क्वेश्चन आया अगर बताओ डिमांड इंक्रीज हो जाए तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सारे बच्चे बोलेंगे डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है, तो डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा, पीले से सफेद हो जाएगा। अब देखो, अब इक्विलिब्रियम ये वाला हो जाएगा, ये वाला था पहले अब ये वाला हो जाएगा, तो यहां नया प्राइस और नई क्वांटिटी, नया स्कूल और नई लाइफ, प्राइस पहले से ज्यादा हो गया, क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा हो गई, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई। अब बच्चे को नजर आया कि सर ने क्या बोला था लास्ट क्लास में, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, वो लॉ ऑफ डिमांड है, लेकिन पहले डिमांड बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, ये भी तो कॉन्सेप्ट है। ऐसा भी आ सकता है कि भैया मान लो, इधर करा रहा हूं कि अगर डिमांड कम हो जाती तो क्या होता, तो देख लो अलग से डायग्राम बना लो, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, सफेद रंग से देख लो, डिमांड कम हो जाती तो डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता ऐसे, या राइट वर्ड शिफ्ट हुआ था ना, या लेफ्ट वर्ड होता, तो पहले ये इक्विलिब्रियम था अब ये वाला हो जाता। इस पे चेक कर लो, प्राइस पहले से कम हो गया, क्वांटिटी भी पहले से कम हो गई, तो डिमांड के कम होने से प्राइस भी कम हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। दीज आर द टॉपिक्स, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। सेम सप्लाई के साथ होता है दोस्तों, सेम सप्लाई के साथ होता है, जो बच्चा मेरी बात समझेगा समझेगा। मान लो सप्लाई इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, हम बोलेंगे देखो जी, ये डिमांड ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर सप्लाई डिक्रीज हो गई तो हम सप्लाई और सॉरी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो सप्लाई ऐसे इंक्रीज होती है राइट वर्ड शिफ्ट होके, हो गई तो पहले ये इक्विलिब्रियम था अब ये इक्विलिब्रियम हो गया, यहां पर प्राइस पहले से कम है, क्वांटिटी पहले से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी ज्यादा हो गई, ये इंपैक्ट हुआ। और यही क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, अगर सप्लाई कम हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, हम बोलेंगे याद नहीं करेंगे, हम तो सीधा बताएंगे, कैसे बताएंगे देख लो, सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, पहले ये इक्विलिब्रियम था अब ये वाला हो जाएगा, प्राइस पहले से ज्यादा और क्वांटिटी पहले से कम, तो प्राइस पहले से ज्यादा और क्वांटिटी पहले से कम। कोई बच्चा इस कॉन्सेप्ट का रट्टा मार ही नहीं सकता, रट्टा ही नहीं मारना, जब क्वेश्चन आएगा तो सप्लाई डिमांड कर्व को लेफ्ट राइट करके देख लेंगे, समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल, कोई बच्चा इस बात को याद मत करना, लेफ्ट राइट करके देख लेना, बस पांच सात मिनट में क्लास खत्म करूंगा, मेन टॉपिक एक चीज और करा रहा हूं। देखो जी, पेपर में क्या आ रहा है ना आजकल, आजकल आ रहा है कि डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, दोनों साइमल्टेनियस, ये वर्ड यूज करते हैं, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, सेम रेशो में, यानी सेम प्रोपोर्शन में, यानी सेम गैप के साथ दोनों बढ़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये प्राइस है इक्विलिब्रियम का, ये क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम की, कह रहे दोनों ही बढ़ रहे हैं, यानी डिमांड कर्व भी राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, ये सप्लाई कर्व भी राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है ये, और दोनों के दोनों दोस्तों सेम रेशो में हो रहे हैं, तो सेम रेशो में हो रहे हैं, तो नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला है, पहले वाला ये था, तो देखो प्राइस पे कोई फर्क नहीं है, प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ऐसे में बोलेंगे जो प्राइस है, प्राइस विल रिमेन कॉन्स्टेंट, देख लेना सेम गैप से करोगे तो, ओनली क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ये बात आती है पेपर में, क्वेश्चन होता है उसमें दो जगह डैश होते हैं, एक में प्राइस के बारे में बताना है वो कॉन्स्टेंट, एक में क्वांटिटी के बारे में बताना है, तो क्वांटिटी यहां पर बढ़ रही है। या ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मान लो डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो रहे हैं साइमल्टेनियस सेम रेशो में, तो देख लो जी क्या हो रहा है, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, यहां प्राइस, यहां क्वांटिटी, अब दोनों कम हो रहे हैं, तो भैया मैंने सप्लाई कर्व को कम कर दिया लेफ्ट वर्ड शिफ्ट,
तो डिमांड कर्व को भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, मैंने कम कर दिया। अब देख रहे हो पहले ये इक्विलिब्रियम था, अब ये इक्विलिब्रियम है, तो प्राइस तो यही है, तो इन दैट केस प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन नीचे देखो क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई। ये तो इतना ही है तुम्हारे कोर्स के अंदर, बाकी बताता हूं। इलेवेंथ ट्वेल्थ में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना, इससे भी खतरनाक केस होते थे। हाँ, सनातनी एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन क्लास होगी 29 जून को सुबह 9 बजे। 11th 12th में तो इससे भी खतरनाक केस होते थे, रिवर्स भी होते थे, कोई ज्यादा कोई कम भी शिफ्ट होता था, समझ लो। अभी आपके में लिमिट में है। हाँ ब्रजेश शर्मा बोलो, डाउट बोलो, क्या डाउट है? हाँ यार ऐसे बोलो तो सही, डाउट क्या है? अच्छा नमन शर्मा भाई, कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ नीरज सर जी, दोनों केस में प्राइस कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है। अब एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज, ऐसे केस 11 12 में थे, बच्चे फंस जाते थे। पास हो जाओगे टेंशन मत लो सर, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर मार्केट कैन बी डुओपोली, कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर मार्केट डुओपोली नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कंप्यूटर बेचने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है ना, वो अलग ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा मोहित श्रीवास्तव, अब ओपन करके देख लेना, आपके पास ओपन हो जाएंगे। यार यूट्यूब पे जैन आलम पोल नहीं होता, हम पोल चलाते हैं यहां पे, तो यूट्यूब पे आप बस कमेंट सेक्शन में एबीसीडी लिख दो, आपका पोल हमारे पास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, खुल जाएगा स्वयं, आज लिंक खुल जाएगा। आ रहा है विशाल जायसवाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे कुशल कुमार साहब साइड में रख दिया, वो बाल में फ्रैक्चर थोड़ा खराब हो जाता है, इसलिए हेयरबैंड उतारना पड़ता है। हाँ ऐसा एक एमटीपी में क्वेश्चन भी है चिराग अग्रवाल, बहुत सही बोल रहे हो। संभव जैन पूछ तो लो क्वेश्चन क्या है, ठीक है ओके। हाँ तो उस चित्रांक माइक्रो प्रोसेसर के मार्केट में आप बोल सकते हो डुओपोली है। ओमकार देशमुख बोल रहे कोका कोला और पेप्सी की डुओपोली है। हेल यार संपूर्ण में कौन सा, हाँ डाल रखा है भाई, हेल यार दोबारा उस मैसेज को करो, तुम्हारा चला गया पार ओके, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी टाइम है। हाँ काव्य माइक्रो प्रोसेसर के लिए अलग हो जाती है वो डुओपोली, मान लो तुम दो ही कंपनी बनाती है तो। अच्छा रियफत आया है वीडियो संपूर्णा के अंदर, संपूर्णा में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रखा है, संपूर्णा में आ रखा है, आप जाके देखो, मैं फिर उसको सर्च करता हूं, ठीक है। बहुत कैडे लेवल का है, ठीक है। ब्रजेश अमेजोन से अगर सामान खरीदते हैं, हाँ पूरे 100 नंबर की तैयारी भी होगी भाई। हाँ अंश नारंग यही तो बता रहा हूं, कर्व और डायग्राम तुम्हें बनाने ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनाने, तो अप्रोच ही गलत है, तुम बना बना के देख रहे हो, वो अप्रोच ही गलत है, समझ रहे हो। चलो एक बार मुझे पढ़ान दो थोड़ा सा बस। देखो जी मैंने आपको बताया कि मान लो परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है होता है जी। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, परफेक्ट कंपटीशन में ये मेरा एमआर कर्व है, यही मेरा एआर कर्व भी है, दोनों बातें डिमांड कर्व भी यही है, एमसी कर्व अलग कर लेता हूं, एमसी कर्व मान लो ये है, यू शेप्ड होता है। तो ये एक पॉइंट है हरे रंग का, जहां पर एमआरएमसी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है जी। अब आपको मुश्किल हालत बता रहा हूं, अगर मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप होता है, वो भी अगर यहीं से होता हुआ जाएगा ना शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो मेरी कंपनी को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस और एवरेज कॉस्ट यहां बराबर है, ये एक डायग्राम बुक में बना हुआ है। अगर तुम एवरेज कॉस्ट कर्व जानबूझ के ऊपर से निकाल दो, ठीक है, तो प्राइस कम रह गया, एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो गई। तो ये वाले एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें, तो यहां बोलोगे प्राइस कम एवरेज कॉस्ट ज्यादा, तो ऐसे में फर्म लॉस से सफर करेगी। कैसे? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पर प्राइस ये चार्ज हो रहा है,
एवरेज कॉस्ट देखो यहां से ये चार्ज होगी, तो दिस इज द एरिया ऑफ लॉस, ठीक है। लेकिन यही एवरेज कॉस्ट कर्व अगर इसके नीचे से निकल के जाता, ये एसी थ्री लगा लो, ये एसी वन, ये एसी टू, तो देखो इक्विलिब्रियम से कम कॉस्ट चार्ज होती, कम कॉस्ट चार्ज होती, तो ये वाला माजरा थोड़ा प्रॉफिट का होता। ये मैंने आपको हिंट दिया है, देखो डायग्राम ऐसे बनते हैं। लेकिन इतनी भसूड़ी में रायता क्यों फिला रहे हो, जब लव सर ने ये बता दिया प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट है, प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट में लॉस है, और जब प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो इस रायते में क्यों फैल रहे हो, क्या करोगे, डायग्राम को पेपर में बनाओगे क्या, एमसीक्यू लेवल का होता है, इतनी अप्रोच क्यों दिमाग में नहीं घुस रही, बनाने को तो मैं भाई बनाने को तो मैं तुम्हें ये बना दूं। ये लो जी मोनोपोली में देख लो, ये एआर कर्व है, ये एमआर कर्व है, एमसी कर्व भी ढूंढ के लिया हो, ये लो जी एमसी कर्व प्लॉट कर देते हैं उस्ताद, एमसी कर्व हो गया, एमआर एमसी ने कट किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहां पर इतना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, प्राइस क्या चार्ज होगा, एआर कर्व बताता है प्राइस इतना चार्ज होगा, ठीक है जी। एवरेज कॉस्ट देख लो, अब अगर एवरेज कॉस्ट कर्व तुम्हारी यहां से जा रही है, मान लो ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो प्राइस इतना है, इक्विलिब्रियम से पता लगा, इक्विलिब्रियम से देखो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट ज्यादा है प्राइस कम है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है प्राइस कम है, तो ये जो एरिया है वो लॉस का है, क्या करोगे इसको जान के भाई, जब पता लग गया एवरेज कॉस्ट ज्यादा है प्राइस से तो लॉस होगा, डायग्राम में क्या करोगे, इतना रायता दिमाग के अंदर मत फैलाओ, इससे मुश्किल से मुश्किल डायग्राम में आपको सिखा सकता हूं, करोगे क्या, शांति और अभिषेक भाई शांति कैसे आएगी, अप्रोच तो सीखो पढ़ने की, बातें तो समझो, कल की क्लास होगी बिजनेस साइकिल का 12 नंबर का चैप्टर कराऊंगा, चार क्वेश्चन वो बताऊंगा आपको जो इकोनॉमिस्ट के नाम से होते हैं, एक कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया वो कल कराऊंगा 5:15 पे, क्या रहना पेटी पैक, गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा जो पेपर में आएंगे तो आपको करने ही पड़ेंगे, समझ रहे हो, गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा, वैसे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि बच्चे मतलब सोचते हैं कि डायग्राम अप्रोच नहीं समझ पाते, अब अप्रोच बता दिया मैंने आपको, किस अप्रोच से पढ़ना है उस अप्रोच से पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच जाओगे। चलो बाय बाय करने से पहले दोस्तों, क्योंकि मैथ्स की भी तुम्हारी क्लास होगी, मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दे दो प्यार से, प्यार से, एआर इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रेवेन्यू को क्या बोलते हैं, 30 सेकंड में जवाब दे दो, एवरेज रेवेन्यू को क्या बोलते हैं, क्या नाम है एवरेज रेवेन्यू का, जल्दी से, अरे यही तो है देश की धड़कन, हाँ कल बीसी के, कल नहीं कल बिजनेस साइकिल, उसके आगे फिर बीसी के की क्लासेस लूंगा, ठीक है जी। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस बोलते हैं, सबको पता है, इतने हल्के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो जी लिस्ट भी तो देखनी है, कौन सा बच्चा किस रैंक पे है, अभी नहीं दिखा रहा, अभी सस्पेंस रखो, दो एक क्वेश्चन और पूछूंगा, सस्पेंस बरकरार रहे, कोई बच्चा नीचे से ऊपर भी जा सकता है, कोई बच्चा ऊपर से नीचे भी जा सकता है, ठीक है। मैंने आपसे बीच में बताया भी था एग्रीकल्चरल की गुड्स मार्केट अगर क्वेश्चन में आए तो बताओ कि कौन से कॉम्पिटिशन में आती है एग्रीकल्चर, परफेक्ट में, ओलिगोपोली में, मोनोपोली में, या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, 30 सेकंड के अंदर आंसर दो, फास्ट ट्रैक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें सबके नाम ऊपर नीचे हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन में आपको धड़ 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 आंसर देने हैं, बस एबीसीडी बता दो, मैंने बताया था एग्रीकल्चर गुड्स कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट से बिलोंग करती है, बताया था ना, आपको ही बताना है, 3-4 क्वेश्चन में जो 70 वाला बच्चा है वो टॉप 5 में भी आ सकता है, जो टॉप 5 वाला है वो फिसल सकता है, तो मेंटेन रखो, टॉपर्स ऑफ द क्लास भी बताने हैं मुझे, हाँ धड़ 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 बस जवाब होने चाहिए सुपर फास्ट भाई साहब, परफेक्ट कंपटीशन में बताया था, परफेक्ट कंपटीशन, चलो जी 90 मतलब सब सही आंसर दे रहे हैं, तो कंपटीशन तेज है। चलो जी एक क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछ भी लिया था, तो ये वाला बता दो भैया, टूथपेस्ट इंडस्ट्री कौन सी मार्केट का एग्जांपल है, टूथपेस्ट इंडस्ट्री बताओ, ये तुम्हारा स्पीड टेस्ट है, स्पीड चेक हो रही है, सीए फाउंडेशन में एमसीक्यू का पेपर आता है, स्पीड चेक हो रही है तुम्हारी, जल्दी जल्दी कर दो प्लीज, क्या बच्चा एक पूरा लंबा डाउट,
यार जो लंबा सा डाउट लिखा हुआ ना ये कर दो प्लीज, लास्ट में लिखा हुआ इसको मैं देखना चाहता हूं। जय शर्मा सर, अगर हम अमेजोन पे सामान ऑर्डर करते हैं और पेमेंट ऑन डिलीवरी करते हैं तो वो फ्यूचर मार्केट के अंडर होगा? नहीं नहीं, वो आपका स्पॉट मार्केट है ब्रजेश भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया। तो भाई बताया, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में आता है टूथपेस्ट, ठीक है जी, टक टक टक। ओहो बच्चे फंसे, यहां पलटी लग गई होगी तुम्हारे कॉम्पिटिशन की, इधर पलटी लगी होगी, नाम ऊपर नीचे हो गए होंगे। ये दिखा दो सबसे जल्दी, मयंक ने, फिर तनुज ने, फिर विशाल ने, फिर शिवम ने, फिर पीएफ फैक्ट ने, यानी बच्चे ऊपर नीचे हो रहे हैं। स्पीड टेस्ट चल रहा है, जल्दी स्पीड टेस्ट दे लो, स्पीड टेस्ट में आ जाओ भाई, इसको नीचे करो। स्पीड टेस्ट में और कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं? शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट कौन सा होता है? पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, यह बता दो। जब एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स होती है प्राइस के, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होती है प्राइस के, या एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल होती है प्राइस के, या मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है प्राइस के? ये चार ऑप्शन है, शॉर्ट में मैंने बता दिया। स्पीड टेस्ट आपको देना है, स्पीड टेस्ट में टाइम 30 सेकंड का ही मिल रहा है, चार में से एक ऑप्शन है भाई। तड़ाकेदार शटडाउन पॉइंट की डेफिनेशन दे दो, डरेगा कोई भी नहीं, कोई नहीं डरेगा। हाँ ये बात मैंने देख लिया, देख लिया, देख लिया, सही चल रहा है सारे बच्चे, ये स्पीड टेस्ट है। स्पीड टेस्ट चल रहा है, हर एक बच्चे का स्पीड टेस्ट है। देखो जी स्पीड भी होनी चाहिए, स्पीड बनानी है, क्वेश्चन देखते उसका अंतर दिमाग में चढ़ना चाहिए। ये होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब प्राइस के बराबर हो तो वो शट डाउन पॉइंट के अंदर आता है। अब देख लेते हैं जी, बी वाला आंसर था, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पीड टेस्ट चल रहा है, स्पीड टेस्ट में आपको पता लग जाएगा। चलो जी, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन की फर्म है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की फर्म की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? नहीं है, 30 सेकंड का टाइम है। क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में टीआर का फॉर्मूला ये नहीं होता? ये तो हमेशा हर जगह होता है। एआर प्राइस नहीं होता, ये भी होता है, हर जगह होता है, चाहे कोई भी मार्केट हो। अमाउंट और प्राइस, हाँ सारी मार्केट में बराबर होते हैं? नहीं, नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व कहा होता है? क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं है? देखो जी बताऊं, ये भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है, एम आर इजिकल टू ए आर होता है ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, और ए आर ही तो प्राइस है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये दोनों बातें तो हर जगह सेम है। ये नहीं होता, वहां का डिमांड कर्व ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता नेगेटिव स्लोप। तो तीसरे वाला इसका राइट आंसर बनता है, इसको टिक करेंगे। और भैया स्पीड टेस्ट में शामिल मेरे बच्चों, देखो जी, चलो जी बहुत बच्चों ने आंसर दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन चल रही है, तो खतरनाक पूछ लू क्या, खतरनाक पूछ लू क्या उस्ताद? आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं खतरनाक वाला या इजी वाला? देखो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर है जो आपको सॉल्व भी करने हैं। चलो जी आ जाए, बताओ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपसोनी, मोनोपोली और मोनोपसोनी का कॉम्बिनेशन क्या कहा जाएगा? डुओपोली, ओलिगोपोली, बायलेटरल मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? इसमें मैं तुम्हें दे दूंगा 45 seconds। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद समय आ जाएगा कि मैं आपको बता दूं कि कौन से बच्चे कहां टॉप पे है। मोनोपोली वो होती है जहां पर एक बंदा बेचता है सामान, ठीक है, और मोनोपसोनी वो होती है जहां पर एक बंदा खरीदता है सामान, तो एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। बायलेटरल मामला नहीं हो गया, बायलेटरल कहीं है? बायलेटरल बिल्कुल है, बायलेटरल ये रहा। तीसरे वाला ओके रिपोर्ट, अच्छा टाइम बचा हुआ है क्या? कोई बात नहीं, अपना बच्चों की हेल्प कर देता हूं भाई मैं। ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ कल की क्लास में बिजनेस साइकिल के कॉन्सेप्ट से आएगा करंट मेन, समझ लो, इसको टिक कर देते हैं और फिर देख लेते हैं जहर किन्ने फैलाया है क्लास के अंदर, किस किस बच्चे ने मतलब मस्त रुख अपनाया है क्लास के अंदर। चलो जी, चलो 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 मेरे शेरो, 90% ज्यादा। सबसे जल्दी सविता ने आंसर दिया, एक बारी मैं यहां पर आ जाऊं आपके लिए। सबसे जल्दी आंसर सविता ने दिया, फिर मयंक, फिर ओमकार, फिर हिमांशु रोहिल्ला, फिर आदिल, फिर शुभम, फिर सार्थक भाई आठवें पे, फिर काम्या,
फिर वैभवी, केदार, ताज, पांचाल, इधर देख ले भैया, हेलियार ने 20वें नंबर पे, मतलब पल्टी कॉम्पिटिशन बहुत है भाई, पल्टी करने वाले बहुत लोग हैं। इधर से उधर रायता फैल जाता है, सचिन जी 37वें पे आ गए, वैष्णवी 40 पे, ताड़े साहब कहां हो, समझ लो दुम्मा ठा रखा है लोगों ने यार, कहां से कहां पूछा देंगे पता भी लगेगा। लेकिन पूरी क्लास के अंदर जो हमारी पूरी कक्षा थी, इस पूरी कक्षा के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और बड़ा कर दो जरा इसको, हाँ जी। तो अब देखो यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहां से आप अपना देख भी सकते हो, जिस बच्चे ने पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड किया और सारे क्वेश्चंस में जो लीडर रहा है, लीडर बोर्ड के नाम मैं यहां पर लेता हूं। लीडर बोर्ड में दोस्तों नंबर वन पे रहे मयंक पारीख, इन्होंने पासा पलट दिया। नंबर टू पे सार्थक, फिर हिमांशु गुप्ता, फिर ओमकार देशमुख, हेलियार रहे पांचवें नंबर पे, छठे पे आदिल खान, सातवें पे सुजल पांचाल, आठवें पे ताज, नौवें पे हर्ष पांडे और दसवें पे प्रशांत ठाकुर। उसके नीचे भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो बच्चों जिनके नाम मैं जानता हूं जो लगातार आंसर देते रहते हैं, वैष्णवी दीक्षित 17वें, 18वें पे सचिन जी, एंड मैनी मोर गाइज आर देयर। बच्चों ने पासा पलटा, ये सबूत है कॉम्पिटिशन का। आपको पता लग गया कि भाई कॉम्पिटिशन कैडे लेवल का है, समझ रहे हो, कितने सारे बच्चे हैं जो आज की क्लास में बहुत जवाब देते रहे, सही सही आंसर देते रहे। तो दोस्तों ये मुहिम चला रखी है हमने रामबाण सीरीज की, हम कम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एग्जाम ओरिएंटेड स्टफ कराएंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें हो रही हैं। आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। अंश नारंग।